साउंड आ रहा है, आवाज आ रही है अभी? चलो चेक। आवाज आ रही है? ठीक है भाई। जय हिंद दोस्तों, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे यूनिट 9। वन शॉट रिवीजन क्लासेस होगी ये यूनिट 9 की। यहाँ मैं आप सभी को बता दूं कि यूनिट 9 सभी का एक टफेस्ट पार्ट मानते हैं, यानी कि बहुत से लोगों से ये क्वेश्चंस नहीं बनते। उन सारी समस्याओं का समाधान करूंगा आज यहाँ पर। मैं यूनिट 9 के सारे क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा कि जो भी आपके 21 को बनने वाले हैं, ठीक है। यानी ये गैसिंग रहेगी हमारी। यहाँ पर मैं पूरा सिलेबस डिस्कस करने वाला हूँ, साथ ही साथ सिलेबस के साथ साथ कंप्लीट थ्योरी डिस्कस करने वाला हूँ। ये रिवीजन क्लासेस रहेगी जिसमें सबसे पहले हम कंप्यूटर को डिस्कस करेंगे। आपको बस सुनना है, चीजें आपने पहले से पढ़ रखी है, आपको बस सुनना है। या फिर आप कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो सिर्फ एग्जाम देने जा रहे हो, इन्होंने पढ़ाई नहीं की, तो आप भी इसको सुन के जा सकते हो। एटलीस्ट 5 से 6 क्वेश्चन यहां से बनने वाले आज की क्लास से, रिवीजन क्लासेस से मिनिमम 5 से 6 क्वेश्चन बनने वाले हैं 21 मई को। तो मैं उस टाइम पे भी डिस्कस करूंगा, जिस दिन पेपर होगा 21 मई के दिन, उस दिन भी बताऊंगा कि ये हमने हमारी आईसीटी की क्लास में डिस्कस किया था वहां पे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। जय हिंद सभी को एक बार फिर से, ठीक है, स्टार्ट करते हैं ना। तो मैं यहाँ बात कर रहा हूँ कि भाई आपका जो सिलेबस है उसमें क्या क्या पढ़ना है, पहले एक बार ये बता देता हूँ यूनिट 9 में आता क्या क्या है और पढ़ना क्या क्या है। यूनिट 9 में बेसिक है आपका आईसीटी है। आईसीटी के अलावा आपको ना, एक आपका आईसीटी हो जाएगा, आईसीटी के अलावा आपको पढ़ना है वहां पर इंटरनेट, कंप्यूटर नेटवर्किंग, सोशल नेटवर्किंग साइट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स के अलावा फिर आप पढ़ोगे साइबर सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी के बाद एआई, रोबोटिक्स। यहां से क्वेश्चन बनते हैं। सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं वो आपके कंप्यूटर से बनते हैं, इंटरनेट से बनते हैं, एआई से बनते हैं और रोबोटिक्स से भी बनते हैं यहाँ से, ठीक है। यहाँ से ये सब क्वेश्चंस आपके बनते हैं। तो हम शुरू करते हैं यहाँ पर, समझना यहाँ पे, ठीक है। मैं बात कर रहा हूँ कि भाई कंप्यूटर क्या है। तो पहली चीज, ये यहाँ मैं डिस्कस करने की चीजें नहीं है, सिंपल सा कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। यानी कि कंप्यूटर क्या है, कई बार मैंने आप लोगों से पूछा भी है। जैसे अगर मैं पूछूं आपसे कि 36 और 24 कितना होगा, बता जल्दी से मेरे को, 36 एंड 24 कितना होगा, कमेंट करें कि भाई देखो सबको पता है कंप्यूटर क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। कंप्यूटर क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। मैंने पूछा 36 प्लस 24 कितना होगा, कमेंट करें बताएं भाई 36 प्लस 24 कितना हो जाएगा। तो सबको पता है भाई 36 प्लस 24 कितना हो जाएगा, कि भाई 60 हो जाएगा। कितना, 60। आपको कैसे पता, पहले मैंने आपको क्या दी, वैल्यू दी, क्या दिया मैंने आपसे पूछा 36 प्लस 24 यानी ये कितना हो जाके हो जाएगा आपका, कि भाई 60 हो गया। तो पहले मैंने आपको इनपुट दिया, आपने उसको क्या किया, दिमाग से प्रोसेस किया भाई 36 एंड 24 कैलकुलेट किया, इसको क्या बोला हमने, प्रोसेस किया। देन उसके बाद आपने बताया कि भाई कितना होगा, 60 होगा। ये क्या है, इनपुट प्रोसेस आउटपुट। इस मैकेनिज्म पर जितने भी सिस्टम काम करते हैं सबको क्या कहते हैं हम, कंप्यूटर कहते हैं। क्या कहेंगे, कंप्यूटर। किस किस पर काम करते हैं, मैंने क्या बोला आपको, यहां समझो कि भाई 36 और 24 ये क्या है, 36 और 24 ये क्या था आपका, ये था इनपुट। क्या था, ये इनपुट था। आपने इनपुट को क्या किया, स्टोर किया। स्टोर करने के बाद तभी तो आप बता पाओगे। फिर आपने क्या किया, प्रोसेस किया। सीपीयू ने क्या किया, प्रोसेसिंग किया। प्रोसेसिंग करने के बाद आपको रिजल्ट मिला, रिजल्ट कितना है, 60। तभी आपने क्या बताया, आउटपुट बताया मेरे को 60। मतलब इनपुट प्रोसेस आउटपुट, इस पर जो भी सिस्टम काम करेंगे उनको क्या बोलेंगे हम, कंप्यूटर बोलेंगे। अब आपका कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स हो सकता है या एनालॉग हो सकते हैं या डिजिटल होंगे। जो आपका इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होंगे, जो आपके इलेक्ट्रॉनिक्स डेटा या डिजिटल डेटा पर काम करेंगे उनको बोलेंगे हम डिजिटल कंप्यूटर। बाकी जो कंप्यूटर आपके, जैसे कि आप देखोगे तराजू, या हम बात करते हैं स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर क्या है आपका, इलेक्ट्रॉन। स्पीडोमीटर क्या हो जाएगा आपका, एनालॉग कंप्यूटर हो जाएगा भाई। स्पीडोमीटर की बात कर रहा हूं मैं, किसकी बात कर रहा हूं, स्पीडोमीटर, समझो अभी, है ना। मैं किसकी बात कर रहा हूँ, स्पीडोमीटर, जो स्पीड मीजर करता है, थर्मामीटर, स्पीडोमीटर, ये सब क्या है आपके, एनालॉग कंप्यूटर है। क्यों, क्योंकि यहां पर भी आपने इनपुट दिया है, प्रोसेसिंग की है, तभी क्या मिला है, आउटपुट मिला है। जब आपको इनपुट प्रोसेस आउटपुट होगा उसको क्या बोलेंगे हम,
यानी वही सब क्या है, कंप्यूटर। जहां एनालॉग डेटा यूज होगा वो क्या होंगे, एनालॉग कंप्यूटर होंगे, और जहां डिजिटल डेटा यूज होगा वो क्या होंगे, डिजिटल डेटा कंप्यूटर होगा आपका, यानी कि वो आपके डिजिटल कंप्यूटर होंगे। जहां जीरो और वन में डिजिट का यूज होगा वो डिजिटल कंप्यूटर, और जहां आपका जीरो वन यूज नहीं है वो है आपका एनालॉग कंप्यूटर। तो याद रखना, जितने भी आपके फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनको मीजर करने के जितने भी डिवाइसेस हैं, सभी के सभी क्या है आपके, सभी के सभी क्या हो जाएंगे आपके एनालॉग कंप्यूटर। तो जरा एक चीज मेरे को बताओ, हमारी जो तराजू है, तराजू समझते हो क्या होता है ना, तकरी तराजू, या जो नॉर्मली आपको मेजरमेंट के जो डिवाइसेस हैं वो सब क्या है, एनालॉग कंप्यूटर है। क्या है, एनालॉग कंप्यूटर, यानी वजन मापने वाली मशीन क्या है आपका, कंप्यूटर है। क्योंकि इनपुट प्रोसेस एंड आउटपुट, जहां इनपुट हो, प्रोसेसिंग हो, और क्या मिले आपको, आउटपुट मिले, उसको ही क्या बोलेंगे हम, कंप्यूटर बोलेंगे। तो याद रखना, यहां से यही पूछा जाएगा आपका, इनपुट प्रोसेस आउटपुट ये क्या है आपका, क्या हो जाएगा, कंप्यूटर हो जाएगा। इसके अलावा पूछ लिया जाएगा भाई कंप्यूटर की विशेषताएं क्या क्या होंगी, तो आप सभी को पता है कंप्यूटर की विशेषताएं क्या क्या होंगी। बताओ भाई, कमेंट करें ना, कंप्यूटर की विशेषताएं क्या होंगी। तो मैं विशेषताओं की बात कर रहा हूं, तो सबसे पहले कंप्यूटर की स्पीड विशेषता है, एक्यूरेसी। अगर आपसे बोला जाए एक ही चीज, जैसे आपने देखा होगा, आपसे बोला जाए कि भाई चंदू की चाची ने चंदू के चाचा को चांदनी चौक पर चांदी की चम्मच से चटनी चटाई, सुना होगा आपने अक्सर, है ना, कि भाई पके पेड़ पर पका पपीता, ये भी सब आपने बचपन में किए होंगे। अगर आप ये चीजें बार बार रिपीट करोगे तो हो सकता है कुछ समय बाद आप क्या है, चंदू के चाचा की जगह कुछ और बोलो, मतलब आपसे गलतियां हो सकती है। क्या हो सकती है, आपसे गलतियां हो सकती है, किससे, आपसे। लेकिन अगर मैं बात करूं वहीं पर, किसकी बात कर रहा हूं मैं, कंप्यूटर इन चीजों को करेगा तो कंप्यूटर से गलतियां होंगी क्या, नहीं होंगी। कंप्यूटर ऐसी गलतियां करता है क्या, नहीं करता। क्यों, क्योंकि उसकी एक्यूरेसी क्या है, ठीक है। आप एक ही सिमिलर टाइप के रिपीटेटिव टास्क करो जो कैसे हो, बोरिंग टास्क हो, तो आपकी एक्यूरेसी क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। क्या हो जाएगी, एक्यूरेसी आपकी खराब हो जाएगी, किसकी, आपकी। लेकिन कंप्यूटर की एक्यूरेसी क्या रहेगी, आपकी सेम रहेगी। स्पीड जल्दी तुरंत काम कर देता है, ऑटोमेटिक है, स्टोरेज क्षमता ज्यादा है, बहुत सारे काम को एक साथ कर सकता है, डिलीजेंस है, थकता नहीं है, क्या नहीं होगा, थकान नहीं होती, किसको, कंप्यूटर को। ऐसा नहीं होता है कि कंप्यूटर क्या करता है, दो घंटे काम करने के बाद थक जाएगा। इंसान की एक क्या है, लिमिट होती है, इंसान की क्या होती है, लिमिट होती है, इंसान क्या होगा, कुछ समय बाद थक जाएगा। इंसान की क्या है, एक लिमिट है, कुछ समय के बाद इंसान क्या होगा, थक जाएगा। लेकिन कंप्यूटर की कोई लिमिट नहीं है और कंप्यूटर थकता नहीं है। कंप्यूटर क्या नहीं होगा, थकेगा नहीं, यानी यहां मैं बात कर रहा हूं किसकी, डिलीजेंस, यानी कंप्यूटर में क्या है, थकेगा नहीं। रिलायबिलिटी, कंप्यूटर क्या है, रिलायबल है, भरोसेमंद है, लगातार कार्य करता रहेगा आपका। लो कॉस्ट, कम कैसा है ना, कम पैसे में आ जाता है आपका। नो फीलिंग, नो आईक्यू, ये ड्रॉबैक भी है और इसका एडवांटेज भी है, कंप्यूटर की कोई भी फीलिंग्स नहीं होती। नेक्स्ट इसके बाद हो जाता है सीक्रेसी। अगर आपके मोबाइल में जो भी चीजें हैं, ठीक है, आपके मोबाइल में आपके रहस्य जो छिपे हुए हैं, कंप्यूटर किसी को जोर जोर से चिल्ला के नहीं बताता। तो ये सब क्या है, कंप्यूटर की विशेषताएं हो जाएंगी। फिर मैं बात कर रहा हूं कि कंप्यूटर किससे मिलकर बनेगा, तो कंप्यूटर के दो पार्ट हो जाते हैं, एक हो जाएगा हार्डवेयर और एक क्या हो जाएगा, सॉफ्टवेयर। यानी कंप्यूटर किन चीजों से मिलकर बनेगा, एक हार्डवेयर और एक सॉफ्टवेयर। यहां पर कुछ चीजें समझ लेना, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को हम कितने पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, आपने पढ़ा होगा भाई, इनपुट डिवाइस, एक क्या हो जाएगा आपका इनपुट डिवाइस, और एक हो जाएगा आपका आउटपुट डिवाइस। इसके अलावा क्या होगा, जैसे पावर सप्लाई, पावर सप्लाई इसको क्या बोलते हैं हम, SMPS, इसका फुल फॉर्म आपको बताना है, आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है पावर सप्लाई, इसको क्या बोलते हैं हम, SMPS। SMPS का फुल फॉर्म क्या होगा, स्विच मोड पावर सप्लाई। ये पहले यूज होता था DVD रोम, CD रोम, आजकल यूज नहीं होता। ये है मेन बोर्ड, कंप्यूटर का मेन बोर्ड है, इसको हम बोलते हैं मदरबोर्ड। क्या बोलते हैं बेटा इसको, मदरबोर्ड। मदरबोर्ड सिंपल से ऐसे समझ सकते हो, जैसे फैमिली में हमारी जो माँ है वो क्या करती है, पूरी फैमिली को जोड़ के रखती है, पूरी फैमिली को बना के रखती है, उसको क्या बोलते हैं हम, समझना भाई, हमारी जो माँ है वो पूरी फैमिली को जोड़ के रखती है। ऐसी ही मदरबोर्ड सारे कंप्यूटर के कंपोनेंट्स को क्या करता है, जोड़ के रखता है।
ठीक है, कंप्यूटर क्या करता है यानी मदरबोर्ड क्या करता है, सारे इंस्ट्रूमेंट सारे इक्विपमेंट्स को जोड़ने का काम करता है, जिस तरीके से माँ फैमिली को जोड़ने का काम करती है। तो ये क्या हो जाएगा, आपका मदरबोर्ड हो जाएगा। फिर आता है सीपीयू, किसकी बात कर रहा हूँ बेटा मैं, सीपीयू और सीपीयू फैन की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, सीपीयू एंड सीपीयू फैन की बात हो रही है। तो ये क्या है आपका, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होगी, सीपीयू होगा जिसको बोलते हैं, और ये फैन क्या है, इसको कूलिंग करने के लिए। फिर आपका मेमोरी डिवाइस आ जाएगा जिसको हम बोल सकते हैं रैम, रोम, ये बहुत सारी चीजें हो जाएंगी। एक हो जाएगा आपका वीजीए कार्ड, वीडियो ग्राफिक्स एरे कार्ड हो जाएगा। फिर हो जाएगा आपका साउंड कार्ड, हार्ड डिस्क, रीडर ऑल इन वन, ये आपका आ जाएगा। देन इसके बाद आपने देखा होगा ये क्या है, केस है, मॉनिटर, स्पीकर, कीबोर्ड, माउस, बहुत सारी डिवाइसेस यूज होंगी आपके इनपुट और आउटपुट में। तो आप ये वाले पार्ट को और अच्छा कर सकते हो, मैंने इसमें पूरा यूनिट 9 कवर कर रखा है एमसीक्यू के फॉर्मेट में। तो आप फोर सिविल सर्विसेज पे जाके वहां पर आप एक पूरा प्लेलिस्ट बना है यूनिट 9 का, आप उसको सर्च कर सकते हो। ठीक है, क्या कर सकते हो, उसको सर्च कर सकते हो। अब मैं बात कर रहा हूँ हार्डवेयर, सिंपल सा वही कॉन्सेप्ट है, आप समझ सकते हो कि भाई अगर हम हमारी बॉडी की बात करें, हमारी बॉडी का जो है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या है, सोल हमारी क्या है, सॉफ्टवेयर है, और हमारी जो बॉडी के हाथ पैर हैं वो क्या है, हार्डवेयर है। सॉफ्टवेयर क्या बताता है, व्हाट टू डू और हाउ टू डू, ठीक है भाई, क्या करना है और कैसे करना है, ये कौन बताएगा, सॉफ्टवेयर बताएगा। और हार्डवेयर क्या करेगा, उस पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करेगा। अलग अलग टास्क को परफॉर्म करने के लिए अलग अलग हार्डवेयर होंगे, जैसे आप देख सकते हो कि भाई माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, प्रिंटर हो गया, हार्ड डिस्क हो गया, ये सब क्या है, अलग अलग चीज के हार्डवेयर हो जाएंगे। तो हार्डवेयर क्या हो जाएगा आपका, कलेक्शन ऑफ फिजिकल एलिमेंट्स या कलेक्शन ऑफ फिजिकल कंपोनेंट्स, इसको बोल सकते हैं हम हार्डवेयर। हार्डवेयर के भी कुछ चीजें आपको याद रखना, जैसे मैं बात कर रहा हूँ सीपीयू, सीपीयू का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, क्या होगा, सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हो जाएगी, इसको बोलते हैं ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, और ये आपका पूछा जा सकता है। फिर इसके बाद आता है आपका मेमोरी, मेमोरी क्या होगा आपका, डेटा हो सकता है आपका, कोई भी इंस्ट्रक्शंस हो सकते हैं, ये सब क्या है, आपकी मेमोरी है। और सीडी और डीवीडी ड्राइव की बात कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ मैं, सीडी और डीवीडी की बात कर रहा हूँ। तो सीडी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, कॉम्पैक्ट डिस्क, और डीवीडी क्या हो जाएगा, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क हो जाएगा। ठीक है, सीडी और डीवीडी ये भी पूछा जा सकता है। इसके बाद मदरबोर्ड, मैंने आपको बताया है जैसे फैमिली में क्या करती है, माँ का काम क्या होता है, पूरी फैमिली को जोड़ने का, वैसे ही मदरबोर्ड सारे इंस्ट्रूमेंट्स जितने भी हार्डवेयर कंपोनेंट्स है सबको जोड़ने का काम करता है, उसको क्या बोलेंगे, मदरबोर्ड। मदरबोर्ड इज अ सर्किट, वही लिखा है जिसमें वो क्या करेगा, सारे है ना कंपोनेंट्स क्या करेगा, होल्ड मेनी क्रूशियल कंपोनेंट्स, तो होल्ड करने का काम मैंने भाई बताया, जोड़ने का काम करता है, सिंपल समझ सकते हो। फिर बात आती है हार्ड डिस्क, बेटा हार्ड डिस्क का काम क्या है, चीजों को जोड़ने का। कल क्वेश्चन तुमने यही फिर पूछा था बेटा, देखो 60 को 75 में कन्वर्ट करना इतना आसान नहीं है, है ना, मैं बोलूं ऐसा कर लो ऐसा हो जाएगा, ऐसा कोई चूरन और ऐसी कोई चीजें नहीं है, प्रैक्टिकल चीज तो ये है। हाँ, बट आप मेहनत और स्मार्ट वर्क करके 60 को 80 में भी कन्वर्ट कर सकते हो, 60 को किसमें, 80 में कन्वर्ट कर सकते हो। तो स्मार्ट वर्क क्या हो सकता है आपका, स्मार्ट वर्क में आपको सिर्फ इतना करना है, आपने स्कोरिंग एरिया को पता करना है, किस कौन से क्वेश्चन आपके हमेशा सही होते हैं, फिर वो स्कोरिंग एरिया पता करना है जो सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है और वो आपके क्वेश्चन गलत हो रहा है, तो उस टॉपिक को पढ़ना और अपने नंबर इंप्रूव करना, ठीक है, यही एक तरीका है, अदरवाइज और कोई तरीका नहीं है। आप सोचो कोई भी टीचर नहीं कर सकता, करना आपको ही है, बस तरीका क्या है, आपको अपना स्ट्रांग जोन और वीक जोन पता करना है, स्ट्रांग जोन को स्ट्रांग रखिए और वीक जोन पर काम करिए, आपके नंबर अपने आप बढ़ जाएंगे। ठीक है, रही बात यूनिट 7 और यूनिट 9 और बाकी चीजों की, तो वो मैं यहाँ पे आपके लिए डेडिकेटेड हूँ और कर रहा हूँ काम, है ना। यूनिट 9 मैं ऑलरेडी एमसीक्यू फॉर्मेट में कंप्लीट कर चुका हूँ। आज मैं किस फॉर्मेट में कवर कर रहा हूँ, आज मैं थियोरटिकल फॉर्मेट में कवर कर रहा हूँ। ठीक है, थियोरटिकल फॉर्मेट में मैं अभी तक मैंने मदरबोर्ड, हार्ड डिस्क और पावर सप्लाई, पावर सप्लाई ये क्या है, एसएमपीएस, इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, एसएमपीएस का जरा बताओ, SMPS को बोलते हैं स्विच मोड पावर सप्लाई। सॉफ्टवेयर क्या है आपका, मैंने आपको बता चुका हूं सॉफ्टवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है आपका, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। सॉफ्टवेयर क्या होगा आपका, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होगा, या हम बोल सकते हैं कि भाई सेट ऑफ प्रोग्राम, कार्यक्रमों का और अनुदेशों के समूह को ही क्या कहते हैं हम, सॉफ्टवेयर कहते हैं। सेट ऑफ प्रोग्राम या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को ही क्या बोलेंगे हम, सॉफ्टवेयर बोलेंगे, जो क्या करता है, हार्डवेयर को बताता है क्या करना है और कैसे करना है, व्हाट टू डू और हाउ टू डू, ये क्या है आपका, सॉफ्टवेयर का काम हो जाएगा। अब सॉफ्टवेयर आप देख सकते हो बहुत सारे टाइप के होंगे जिनको हम आगे पढ़ेंगे। फिर आता है
टाइप ऑफ कंप्यूटर की हम बात करते हैं तो कंप्यूटर का पहला हो जाएगा, आप जनरेशन के हिसाब से पढ़ेंगे, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ और फिफ्थ जनरेशन, फिर जनरल पर्पस, फिर टेक्निकल यूज और फिर साइज एंड कैपेसिटी के बेस पर पढ़ेंगे। आपको यहाँ सिर्फ इतना पढ़ना है जितना जरूरी है, क्योंकि लास्ट टाइम पर आप ज्यादा नहीं पढ़ सकते। तो पहले क्या क्या पढ़ना है यहाँ रट लो। फर्स्ट जनरेशन में किसका इस्तेमाल हुआ था जरा बताओ? वैक्यूम ट्यूब। फर्स्ट जनरेशन में किसका इस्तेमाल हुआ? वैक्यूम ट्यूब। सेकंड जनरेशन में किसका इस्तेमाल हुआ है? ट्रांजिस्टर। सेकंड जनरेशन ट्रांजिस्टर। थर्ड जनरेशन आईसी चिप और एलएसआई। फोर्थ जनरेशन आपका माइक्रो प्रोसेसर। चौथी पीढ़ी में क्या हो जाएगा? माइक्रो प्रोसेसर और वीएलएसआई। फिफ्थ जनरेशन आपका यूएलएसआई और AI आ जाएगा। क्या हो जाएगा? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यानी अगर हम बात कर रहे हैं चौथी पीढ़ी में, नमस्ते, चौथी पीढ़ी में क्या हो जाएगा? माइक्रो प्रोसेसर। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, फिर से समझना, ये आपसे पूछे जा सकते हैं। आज की क्लास में मैं वही चीजें डिस्कस करूंगा जो 21 को इम्पोर्टेंट है। आज मैं यहाँ चीजें पढ़ाने नहीं आया हूँ, उन चीजों को डिस्कस करने आया हूँ जो आपको 21 मई को संभावना है। पता चला मैं दो ढाई घंटे यहाँ मेहनत करके जाऊं और वहां आपको जीरो नंबर मिले। इस क्लास को फ्रूटफुल होनी चाहिए। क्लास क्या होनी चाहिए? फ्रूटफुल होनी चाहिए। और जो लोग नहीं देख रहे या नहीं देख पाए उनको लगना चाहिए, अरे यार अगर उस दिन की क्लास ले लेता तो ये क्वेश्चन जो मेरा छूटा है वो बन जाता है ना। मैं उसी पे डिस्कस करूंगा। तो मैं बात कर रहा हूँ फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब। फर्स्ट जनरेशन में क्या होगा? वैक्यूम ट्यूब। सेकेंड जनरेशन में क्या यूज हो जाएगा आपका? ट्रांजिस्टर। थर्ड जनरेशन में क्या यूज हो जाएगा? आईसी चिप। आईसी चिप का मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट। क्या होगा? इंटीग्रेटेड सर्किट और एलएसआई। एलएसआई मतलब लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। फिर आता है फोर्थ जनरेशन, यहां यूज होगा माइक्रो प्रोसेसर। क्या आ जाएगा? माइक्रो प्रोसेसर आ जाएगा आपका, जो कौन बनाएगा? एमई हॉफ और VLSI यूज होगा, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। फिर इसके बाद आता है फिफ्थ जनरेशन, यहाँ क्या यूज होगा? ULSI यानी अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन यूज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन यूज हो जाएगा। तो यहां मैं बात कर रहा हूँ फर्स्ट जनरेशन में क्या यूज होगा? वैक्यूम ट्यूब, बस इतना समझना है आपको। सेकंड, ये फीचर्स आपसे नहीं पूछे जाएंगे, ये सब आपसे मेंस में पूछा जाएगा। कहां पूछा जाएगा? मेंस में पूछा जाएगा। तो अभी आपने को सिर्फ कितना समझना है, ये इतना समझना है कि फर्स्ट जनरेशन में क्या यूज हुआ था? वैक्यूम ट्यूब। सेकंड जनरेशन में क्या यूज होगा? ट्रांजिस्टर। तो आपको सिर्फ समझो, फर्स्ट जनरेशन में क्या यूज होगा बेटा? वैक्यूम ट्यूब यूज होगा। सेकंड जनरेशन में क्या यूज होगा आपका? ट्रांजिस्टर। याद रखना, सेकंड जनरेशन में क्या यूज होगा? ट्रांजिस्टर। बस इतना फोकस करना है, फर्स्ट जनरेशन वैक्यूम ट्यूब, सेकंड जनरेशन क्या यूज होगा? ट्रांजिस्टर का यूज होगा। सिर्फ इतना याद रखना, ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर। थर्ड जनरेशन में क्या यूज होगा आपका? आईसी चिप। आईसी चिप मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट। आईसी सर्किट किसने बनाया है? जेएस किल्बी। किसने बनाया है? ये रिविजन क्लासेस में बोल रहा हूँ। आईसी सर्किट किसने बनाया है? जेएस किल्बी ने। इंटीग्रेटेड सर्किट या आईसी सर्किट होता क्या है? आईटी सर्किट, इंटीग्रेटेड सर्किट जिसको बोल सकते हैं हम। याद रखना, क्या होगा ये? आईसी या इंटीग्रेटेड सर्किट या आईसी चिप, ये बहुत सारे कंपोनेंट्स जैसे कि आपके रजिस्टर, कैपेसिटर, डायोड, ट्रांजिस्टर, इन सब से मिलकर बनेगा, उसको क्या बोलते हैं हम? आईसी चिप बोलते हैं आपका। इसकी खोज किसने की थी? आईसी चिप की खोज किसने की थी जरा बताओ? जे एस किल्बी एंड रॉबर्ट नोइसे। पूछा जाता है, जेएस किल्बी एंड रॉबर्ट नोइसे ने 1958 में की थी। इसके लिए 1968 में ने क्या बोला था? नोबेल प्राइज मिला था। और इसको 20वीं शताब्दी की सबसे बड़ी खोज माना जाता है। क्या है? बिगेस्ट इन्वेंशन इन अ 20th सेंचुरी, यानी 20वीं शताब्दी की सबसे बड़ी खोज है। कौन सी है आपकी? आईसी सर्किट हो जाएगा। फिर आता है थर्ड जनरेशन में क्या यूज होगा? आईसी सर्किट होगा। और क्या होगा? एलएसआई। तो दोनों चीजें मैं बता चुका हूं पहले ही, आप लिखते जाना, ज्यादा से ज्यादा 5 पेज भरेंगे। कितने? 5 पेज। और 5 पेज में से अगर आपको 5 से 7 प्रश्न मिल रहे हैं तो क्या बुरा है? 5 पेज में 5 से 7 प्रश्न मिल रहे हैं तो कोई बुराई नहीं है। फिर आता है, यहाँ साइज छोड़ो, फिर बात करते हैं हम माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है? माइक्रो प्रोसेसर के यहाँ पार्ट समझो। तो माइक्रो प्रोसेसर के 3 हिस्से होते हैं। क्या क्या होगा? ALU, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर एरे। याद रखना, माइक्रो प्रोसेसर कंसिस्ट ऑफ ALU, कंट्रोल यूनिट एंड रजिस्टर एरे। माइक्रो प्रोसेसर 3 चीजों से मिलकर बना होता है, जिसको क्या बोलते हैं? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर एरे। अर्थमेटिक कंट्रोल यूनिट का काम होता है कैलकुलेशन का। किसका काम होगा? कैलकुलेशन का। कंट्रोल यूनिट का काम होगा नियंत्रण का, कंट्रोल का।
रजिस्टर एरे क्या करता है, आपका मेमोरी को होल्ड करने का काम करेगा। किसको काम करेगा? इंस्ट्रक्शन को होल्ड करने का काम करेगा। इंस्ट्रक्शन को कौन होल्ड करेगा? ये अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद कर लेना। शक्ति, शक्ति कौन है आपका? इंडिया का पहला माइक्रो प्रोसेसर है, तो अंडरलाइन चाहो तो लिख लेना, शक्ति इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियसली डेवलप्ड माइक्रो प्रोसेसर, भारत का स्वदेश निर्मित पहला माइक्रो प्रोसेसर है। लिखते जाना क्या है भारत का, जो जो चीजें मैं बोल रहा हूं उतना लिखते जाओगे और हम 21 को मिलने ही वाले हैं यहीं पे, ठीक है? यहीं पे क्लास के बाद अपन डिस्कस करेंगे कि ये मैंने उस दिन बोला था और ये भी उस दिन बोला था, तो याद रखना इंडिया फर्स्ट इंडिजीनियसली डेवलप्ड माइक्रो प्रोसेसर, इसको क्या बोलते हैं हम? शक्ति बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? शक्ति बोलेंगे। याद रखना ये क्या है? शक्ति है। इसको किसने बनाया है? सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी चंडीगढ़ ने। किसकी किसकी ये है आपका? इसरो की क्या है? एक ब्रांच है, या इसरो की क्या हो जाएगी? एक आप याद रखना इसरो की ब्रांच है, जिसने क्या बनाया है आपका? शक्ति माइक्रो प्रोसेसर बनाया है, जो इंडिया का क्या है? पहला है। फिफ्थ फोर्थ जनरेशन में क्या यूज होगा बेटा? माइक्रो प्रोसेसर यूज होगा और VLSI यूज होगा। फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर और VLSI यूज होगा। जितनी चीजें जरूरी है उतना ही समझना, माइक्रो प्रोसेसर और VLSI आ जाएगा आपका। पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा है, ये क्वेश्चन बनता है। माइक्रो प्रोसेसर किसने बनाया है? M.E. हॉफ ने बनाया है। कब बनाया है? M.E. हॉफ ने 1971 में बनाया है। और इसीलिए याद रखना पहला माइक्रो प्रोसेसर था आपका इंटेल 4004। कौन सा था पहला माइक्रो प्रोसेसर का नाम क्या हो जाएगा? इंटेल 4004। माइक्रो प्रोसेसर कब होगा? फोर्थ जनरेशन में, और VLSI टेक्नोलॉजी यूज होगी। फिफ्थ जनरेशन में क्या आ जाएगा? AI लैंग्वेज होगी। फिफ्थ जनरेशन में क्या यूज होगा आपका? AI। तो फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब, सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर, थर्ड जनरेशन में क्या होगा? IC चार सर्किट, फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर, और फिफ्थ जनरेशन में AI। ये आपसे पूछा जाता है। क्या पूछा जाएगा? फिफ्थ जनरेशन में क्या यूज होगा आपका? यानी USI और AI यूज होगा। फिर इसके बाद मैं आपको बता चुका हूँ डिजिटल कंप्यूटर क्या है, जिनमें डिजिटल डेटा यूज होगा वो क्या है? डिजिटल कंप्यूटर यूज होंगे आपके, और जिनमें आपका क्या यूज हो आपका? एनालॉग कंप्यूटर क्या होंगे? जिनमें एनालॉग डेटा यूज होगा उनको क्या बोलेंगे हम? एनालॉग कंप्यूटर। अब जरा मेरे को बताओ थर्मामीटर कौन सा कंप्यूटर है, एनालॉग या डिजिटल? कमेंट करो जल्दी से बताओ थर्मामीटर कौन सा होगा? थर्मामीटर किसमें आएगा? थर्मामीटर किसका पार्ट हो जाएगा? एनालॉग का। थर्मामीटर किसका पार्ट होगा बेटा? एनालॉग कंप्यूटर का। इसके अलावा स्पीडोमीटर एनालॉग कंप्यूटर, स्पीडोमीटर एनालॉग कंप्यूटर एग्जांपल हो जाएंगे ना, ये सब क्या है आपके? इसके बाद आता है हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर का एग्जांपल है ATM मशीन, ऑटोमेटिक टेलर मशीन, मशीन जितनी भी है। तो आप देखोगे ये किसका एग्जांपल है? हाइब्रिड मशीन का। किसका एग्जांपल हो जाएगा? हाइब्रिड मशीन का एग्जांपल हो जाएगा। फिर आते हैं माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर ये साइज में छोटे हैं, जो जनरली हम यूज करते हैं घरों में। PC यानी पर्सनल कंप्यूटर किसमें है? माइक्रो कंप्यूटर का पार्ट आ जाता है। फिर आता है मिनी कंप्यूटर, ये ऑफिसों में यूज होंगे, बैंकों में यूज होंगे, या आप देखोगे बड़ी जगह पर जहां पर मिनी कंप्यूटर का यूज नहीं होता, जहां बड़े कंप्यूटर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम या कॉम्प्लेक्स टास्क को सॉल्व करना है, वहां क्या यूज होगा? मिनी कंप्यूटर यूज होगा बैंकों में। फिर आता है एम्बेडेड कंप्यूटर। अब एम्बेडेड कंप्यूटर क्या होता है? कुछ लोगों ने रट रखा होगा, कुछ लोगों ने क्या कर रखा होगा? रट रखा होगा। अरे भाई शुभम भाई, सौरभ भाई हो जाएगा आपका 149 है पटवारी में, आप टेंशन ना लो, पटवारी बन चुके हो आप। बस अब तो आप शादी हो गई क्या कि नहीं हुई? नहीं हुई तो शादी की तैयारी करो तुम, है ना, टेंशन फ्री रहो, पटवारी बन चुके हो तुम, है ना, उसकी टेंशन मत लो ना। किस क्षेत्र से बिलोंग? अच्छा तुम्हारे यहाँ तुम तो जैन समुदाय से हो भाई, है ना। जैन समुदाय में क्या होता है, जो लोग गवर्नमेंट जॉब में है उनकी शादियां नहीं होती, जो लोग बिजनेस करते हैं उनकी शादियां हो जाती है। हाँ मंदसौर, है ना, हाँ जैन समुदाय में मैंने ऐसा देखा है। मेरे कई मित्र ऐसे हैं जो सरकारी जॉब में है, वो क्या है उनकी उनकी शादियां नहीं हो रही है, और हमारे यहाँ उल्टा है। ठीक है, हमारे यहाँ जो सरकारी जॉब में है उसको उल्टा पैसा दिया जाता है, दहेज, है ना, जिस जो हालांकि गलत है वो मिलता है लोगों को, है ना, तो वो आपने देखा होगा। तो मैं बात कर रहा हूँ एम्बेडेड कंप्यूटर की बात कर रहा हूँ बेटा। एम्बेडेड कंप्यूटर क्या होता है पहले इसको समझना। मैं बात कर रहा हूँ जैसे कि आपका एक एग्जांपल, जहां पर भी हम, जैसे मैं डिजिटल वॉच की बात करूं,
डिजिटल वॉच जो क्या कर रही है, पूरा सिंक्रोनाइज कर रही है। आपने मोबाइल घर पे रख दिया, डिजिटल क्लॉक पहन के आप 5 किलोमीटर चले तो वो बता देगी आपने कितने स्टेप चले, ठीक है। किसी का कॉल आ रहा है, ये जितनी भी डिजिटल फंक्शन हो रहे हैं वो कौन काम कर रहा है, डिजिटल क्लॉक कर रहा है। यानी इसमें भी कहीं ना कहीं छोटा सा एक क्या लगा दिया उन्होंने, क्लॉक में एक माइक्रो कंप्यूटर फिट कर दिया। क्या कर दिया, एक छोटा सा कंप्यूटर, एक छोटी सी चिप लगा दी जो क्या कर रहा है, इनपुट प्रोसेस आउटपुट कर रहा है। क्या कर रहा है बेटा, इनपुट प्रोसेस आउटपुट कर रहा है। क्या कर रहा है, इनपुट प्रोसेस और आउटपुट। तो ये क्या हो गया आपका, एक चिप हो गई, एक कंप्यूटर लग गया है। क्या लग गया है, एक कंप्यूटर लग गया है। लेकिन अब वो क्या है, उसका साइज छोटा है और एक फिक्स स्पेसिफिक टास्क को ही परफॉर्म कर रहा है। तो ऐसे कंप्यूटर को कहते हैं हम एम्बेडेड कंप्यूटर, जिनका प्रयोग कहाँ होगा, डिजिटल क्लॉक में यूज होगा। डिजिटल क्लॉक के अलावा आप कहाँ देख सकते हो कि सर मेरी तो वॉशिंग मशीन फुल्ली ऑटोमेटिक है और उसके साथ साथ क्या है, उसमें तो एआई का फंक्शन भी है। अच्छा, क्या एआई का फंक्शन है भाई, कि भाई उसको हम एलेक्सा के थ्रू कंट्रोल कर लेते हैं, चिप के थ्रू कंट्रोल हो जाती है। मोबाइल फोन हुआ आपका, या हम बोल सकते हैं आपकी टीवी स्मार्ट है। क्या है, टीवी सर इतनी स्मार्ट है वो अपने आप सारी चीजें देख लेती है। तो मतलब चीजें क्या है, अपने हिसाब से मैनेज कर लेती है, डेटा को सेव कर लेती है। तो जहां चीजें क्या है, कार का एग्जाम्पल ले लेता हूं कि भाई है ना, कि भाई टेस्ला की कार जो है वो क्या है, जैसे ही आगे कोलिजन होने वाला है अपने आप ब्रेक लगा देती है, बिना ड्राइवर के भी चल लेती है। तो कहीं ना कहीं उसमें क्या है, एक चिप लगी हुई है या एम्बेडेड कंप्यूटर है। क्या है वहां पर, एम्बेडेड कंप्यूटर। तो एम्बेडेड कंप्यूटर से आप क्या समझे, एम्बेडेड कंप्यूटर सिंपल सा वह है कि जिसमें क्या है, माइक्रो कंप्यूटर किसी भी एक लार्जर प्रोडक्ट में लगा है, उसको क्या बोलते हैं हम, एम्बेडेड कंप्यूटर। तो छोटी सी सीधा सीधा कॉन्सेप्ट समझो, वैन अ माइक्रो कंप्यूटर इज अ पार्ट ऑफ अ लॉन्गर प्रोडक्ट या लार्जर प्रोडक्ट इज कॉल्ड एम्बेडेड कंप्यूटर। इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं थी, ठीक है, जरूरत आपको एम्बेडेड कंप्यूटर में नहीं। तो ये जरूरी नहीं है, लोगों ने रट्टा मार रखा है। क्या रट्टा मार रखा है, कि डिजिटल क्लॉक में ही एम्बेडेड कंप्यूटर होगा। कंप्यूटर के अलावा कहीं पे भी डिजिटल डेटा यूज हो रहा है, एम्बेडेड कंप्यूटर, रट लेना, ठीक है। फिर आता है मेन फ्रेम कंप्यूटर। अब होता क्या है, पहले कहानी है समझो, इंसान की क्या है, एक जो है इच्छाएं खत्म नहीं होती। उसने देखा यार मिनी कंप्यूटर बना लिया हमने, माइक्रो कंप्यूटर बना लिया, वो चाहता है कि हम एक ऐसा कंप्यूटर बनाए जो क्या हो, बहुत पावरफुल हो। क्या हो, बहुत पावरफुल हो, ऐसा कंप्यूटर बनाना चाह रहे हैं। ऐसा कंप्यूटर बनाने के लिए हमने क्या किया, बहुत सारे प्रोसेसरों को जोड़ दिया एक साथ और कंप्यूटर बना। क्या बना, एक कंप्यूटर बना, उसको हमने बोला मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो पहले बना आपका माइक्रो, फिर बना मिनी, फिर बनेगा मेन फ्रेम। तो पावरफुल कंप्यूटर कौन सा होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पावरफुल कंप्यूटर, ठीक है, ए ऑप्शन, निम्नलिखित में से कौन सा एक पावरफुल कंप्यूटर है, माइक्रो, मिनी और मेन फ्रेम। बताओ जरा कौन सा हो जाएगा, माइक्रो, मिनी और मेन फ्रेम। तो तीनों में कौन सा है, या उपरोक्त में से कोई नहीं, बताओ सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा होगा, मिनी, माइक्रो और मेन फ्रेम, कौन सा कंप्यूटर शक्तिशाली होगा। तो आपको पता है कि भाई कौन सा कंप्यूटर शक्तिशाली हो जाएगा, मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या है, पावरफुल कंप्यूटर है। कौन सा कंप्यूटर है, पावरफुल कंप्यूटर है। क्या नाम है उसका, मेन फ्रेम कंप्यूटर है। तो याद रखना आपका पावरफुल होगा पिछले से। अब बात आती है सुपर कंप्यूटर की, किसकी बात आती है, सुपर कंप्यूटर, ठीक। अब हम बात कर रहे हैं बेटा सुपर कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर की शुरुआत कैसे होती है। तो सुपर कंप्यूटर याद रखना, जितनी भी खोजें होंगी, जितनी भी रिसर्च होगी, सब की सब कहां होंगी, यूएस। क्योंकि यूएस क्या करता है, रिसर्च पर बहुत ज्यादा पैसा खर्च करता है। किस पर, रिसर्च पर। तो मैं बात कर रहा हूं यूएस की, यूएस का भी कौन सा, डिफेंस डिपार्टमेंट, यूएस का डिफेंस डिपार्टमेंट। और ये क्या करता है कि भाई ये चाहता है कि एक क्या बनाइए, पावरफुल कंप्यूटर बनाए। क्या बनाए, एक पावरफुल कंप्यूटर बनाना चाहता है। कौन बनाना चाहता है पावरफुल कंप्यूटर, यूएस का डिफेंस डिपार्टमेंट। और इसके लिए, किसके लिए, ये पावरफुल कंप्यूटर बनाने के लिए किससे कांटेक्ट करता है, ये कांटेक्ट करता है कौन, यूएस का डिफेंस डिपार्टमेंट। इन्हीं के यहाँ एक व्यक्ति था जिसका नाम था सैम्यूर, है ना, कौन थे आपके, सैम्यूर क्रे थे, सैम्यूर क्रे।
अब सेम्यूर के लिए एक व्यक्ति था जो यूएस डिफेंस डिपार्टमेंट में काम कर रहा था, इसको क्या बना दिया जाता है, हेड बना दिया जाता है कि भाई आपको क्या बनाना है, एक पावरफुल कंप्यूटर बनाना है। सेम्यूर भाई बोलता है ठीक है मैं बना दूंगा। सेम्यूर भाई क्या करता है, काम करना शुरू कर देता है। किसके लिए? यूएस डिफेंस डिपार्टमेंट के लिए। काम कौन करेगा? सेम्यूर के लिए काम करना शुरू कर देता है। तो सेम्यूर के लिए काम करना शुरू कर देता है। अब सेम्यूर के लिए काम करना शुरू करता है और सबसे पहले ये क्या करता है, आपका कंट्रोल डाटा कॉर्पोरेशन, कहां पर? कंट्रोल डाटा कॉर्पोरेशन किसके अंदर? यूएस डिफेंस डिपार्टमेंट के लिए शुरू करेगा काम। और ये क्या करेगा, सीडीसी 1604 बनाएगा। इसके बाद बनाता है सीडीसी 6600, ठीक है। ये क्या करता है, कंप्यूटर बना देता है। क्या बना देता है? एक कंप्यूटर बना देता है। और ये कंप्यूटर क्या था, इसके अंदर बहुत सारी पावरफुल था, यानी जितना सोचा नहीं था उससे भी ज्यादा पावरफुल होता है। इसीलिए इसको क्या बोल देते हैं हम, सुपर कंप्यूटर। क्या है ये? सुपर कंप्यूटर। अब सुपर कंप्यूटर किसने बनाया? सेम्यूर किरे ने। किसने बनाया? सेम्यूर किरे ने बनाया। उसको क्या बोलते हैं हम, सुपर कंप्यूटर बोलेंगे। तो पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? सीडीसी 6600 था। कौन सा था? सीडीसी 6600। इसके बाद सेम्यूर किरे क्या है, स्मार्ट पर्सन है। वो क्या कर देगा, जॉब छोड़ देगा। सेम्यूर किरे कौन सा पर्सन है? स्मार्ट पर्सन है। और क्या कर देगा? जॉब छोड़ देगा। जॉब छोड़ने के बाद ये क्या करेगा, किस पर काम करेगा? खुद की एक कंपनी पर काम करेगा, जिसकी कंपनी का नाम क्या था, क्रे रिसर्च कंपनी। बोलेगा कि भाई यूएस के लिए काम करूंगा। यूएस डिफेंस डिपार्टमेंट क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा पेंशन देगा, सारी चीजें। तो ये क्या करता है, खुद की एक कंपनी बनाएगा जिसका नाम है क्रे रिसर्च कंपनी, और पहला कंप्यूटर बना देगा, सुपर कंप्यूटर, जिसका नाम है क्रे क्रे बन। तो डिफेंस डिपार्टमेंट के लिए कौन सा बनाएगा, सीडीसी 6600, और क्रे रिसर्च कंपनी कौन सा बनाएगी, क्रे क्रे बन, जो क्या होगा, वर्ल्ड का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर होगा। इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम, फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर। अब इंडिया को भी क्या, किसकी जरूरत थी, सुपर कंप्यूटर की जरूरत थी। अब इंडिया को सुपर कंप्यूटर की जरूरत थी, तो अब शुरुआत कैसे होगी इंडिया की सुपर कंप्यूटर की, शुरुआत करते हैं ना। अब राजीव गांधी क्या करते हैं, किससे, क्रे रिसर्च कंपनी से कांटेक्ट करते हैं और बोलते हैं कि भाई हमें भी क्या चाहिए, सुपर कंप्यूटर चाहिए। लेकिन होगा क्या, यूएस का डिफेंस डिपार्टमेंट क्या कर देगा उस पर, यूएस का डिफेंस डिपार्टमेंट और यूएस डिपार्टमेंट या यूएस गवर्नमेंट क्या बोलती है, आप इनको ये कंप्यूटर नहीं भेज सकते, क्योंकि इनको कंप्यूटर मिलेगा तो ये इन कंप्यूटरों का यूज कहां करेंगे, भाई ये कोई भी चीज बनाते हैं साइंस एंड टेक के क्षेत्र में, सबसे पहले ये डिफेंस में यूज करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल, एपीजे अब्दुल कलाम ने क्या किया था, 1979 में एसएलवी रॉकेट इंजन बनाया था। अब इस रॉकेट इंजन से एपीजे अब्दुल कलाम को क्या बनाने चाहिए थे, रॉकेट बनाने चाहिए। जैसे ही इन्होंने एसएलवी इंजन बनाया, इन्होंने मिसाइल बनाना शुरू कर दिया। क्या बनाना शुरू कर दिया, मिसाइल। और एपीजे अब्दुल कलाम ने कितनी, 5 मिसाइलें बनाई। कौन कौन सी 5? पटना, पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग और आकाश। इसीलिए इन्हें क्या बोलेंगे हम, फादर ऑफ, है ना, या इंडियन मिसाइल प्रोग्राम, या क्या बोला जाएगा इनको, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया बोला जाएगा। क्यों बोला जाएगा, क्योंकि हमें जो भी चीज मिलती थी हम उसका क्या यूज करते थे, सीधा डिफेंस में यूज करते थे। सिमिलर यही कॉन्सेप्ट था कि ऑस्ट्रेलिया क्या कर देगा, वो अमेरिका क्या कर देगा, इनको सुपर कंप्यूटर देने से मना कर देगा। मना करने के पीछे उद्देश्य क्या था कि भाई ये अगर इस कंप्यूटर इन्हें मिलेगा तो ये फिर से डिफेंस में इस्तेमाल करेंगे। इसलिए अब होगा क्या, इंडिया के पास सुपर कंप्यूटर की जरूरत थी, तो राजीव गांधी के उसमें आप देखोगे एक सीडीसी बनेगा। क्या बनेगा, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर। याद रखना, क्या बनेगा, सीडेक बनेगा, जिसको क्या बोलते हैं हम, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग बनेगा। सीडेक, सीडेक की स्थापना कब हो जाएगी आपकी, 1989 में होगी। सीडेक की स्थापना 1989 में होगी और इसका हेड बनाया जाता है विजय भाटकर को। किसको? विजय भाटकर। अब विजय भाटकर इसके क्या हो जाएंगे, हेड हो जाएंगे। तो विजय भाटकर क्या बना देंगे, एक परम सीरीज का सुपर कंप्यूटर बना देंगे, जिसका नाम होगा परम 8000। क्या नाम होगा इसका, परम 8000। अब इंडिया ये जो पूरा प्रोग्राम कंप्लीट करेगा, इंडिया फर्स्ट सुपर कंप्यूटर, जो वो करेगा रशिया की हेल्प से। किसकी हेल्प से, रशियन कोलैबोरेशन की हेल्प से स्टार्ट करता है। और इसीलिए भारत में सुपर कंप्यूटर का जनक किसको बोला जाएगा, विजय पांडुरंग भाटकर को। किसको बोला जाएगा, विजय पांडुरंग भाटकर। ये कौन है आपके, भारत के, याद रखना, सुपर कंप्यूटर के जनक हैं। क्या है, फादर ऑफ इंडियन सुपर कंप्यूटर प्रोग्राम कौन हो जाएंगे, विजय पांडुरंग भाटकर, यानी विजय भाटकर। इसके अलावा हम बात करते हैं भारत के कुछ सुपर कंप्यूटर की, तो भारत के कुछ सुपर कंप्यूटर की अगर हम देखेंगे, परम सीरीज, किसकी बात कर रहा हूं, परम 8000, परम 8600, परम 9900, परम 10000, परम पदम, परम युवा और परम युवा 2। ये सब क्या है, भारत के सुपर कंप्यूटर है। इसके अलावा प्रत्यूष, मेहर,
एक और याद रखना, भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि AI कौन हो जाएगा? भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि AI, विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर फ्रंटियर, विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है? फ्रंटियर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? फ्रंटियर। सेकंड नंबर पर कौन सा है? फुगाकू। फुगाकू कहां का है? जापान का है। तो पहले नंबर पर कौन सा है याद रखना, फुगाकू कौन से नंबर पर है? जापान का है, फ्रंटियर है अमेरिका का, और भारत का कौन सा है? परम सिद्धि AI। इसके अलावा आपको और क्या क्या याद रखना है? अनुपम, कौन सा? अनुपम। इसको किसने बनाया है? बार्क ने बनाया है। किसने बनाया है अनुपम को? किसने बनाया है? बार्क ने बनाया है। एक और सुपर कंप्यूटर है भारत का, फ्लो सॉल्वर। क्या नाम है इसका? फ्लो सॉल्वर। ये किसने, इसको किसने बनाया है? CSIR ने। तो याद रखना, ये आपसे अनुपम पूछा जा सकता है, फ्लो सॉल्वर पूछा जा सकता है, परम पूछा जा सकता है, परम सिद्धि AI, भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर, विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर फ्रंटियर। नया डेटा है, कुछ लोगों को फुगाकू याद होगा, भाई फुगाकू चेंज हो गया, वर्तमान समय में कौन सा है? फ्रंटियर है ना, याद कर लेना। इसके अलावा एक और क्वेश्चन बनता है यहां से, वो क्या क्वेश्चन होगा आपका, ठीक है, कि भाई अगर हम बात कर देते हैं और क्या हो सकते हैं, मीरा, कंचनजंगा, ये भी क्या है? भारत के सुपर कंप्यूटर है। कौन कौन से? मीरा और कंचनजंगा। इंडिया का सुपर कंप्यूटिंग मिशन भी चल रहा है। इसके बाद हम बात करते हैं मेमोरी, ठीक है। तो यहां से इस टेबल को आपको, जिनको पता है ठीक है, जिनको नहीं पता तो वो रट्टा मार लो, इस टेबल का स्क्रीनशॉट चाहो तो ले सकते हो। टेबल इंपॉर्टेंट है। रैम और रोम, ये प्राइमरी मेमोरी होगी और ये होगी सेकेंडरी मेमोरी। तो आप मेमोरी, प्राइमरी और सेकेंडरी क्या है ये समझो, किसको प्राइमरी बोलेंगे और किसको सेकेंडरी। ये है नेताजी। कौन है? नेताजी, नेताजी, ठीक है, नेताजी या कोई भी व्यक्ति है इससे जिसके डायरेक्ट संबंध हो, क्या हो? जिसके डायरेक्ट कांटेक्ट हो नेताजी से। नेताजी से कैसे कांटेक्ट है? डायरेक्ट बोलते हैं ना, ये क्या है? नेताजी का प्राइम व्यक्ति है। कौन है? प्राइम है नेताजी के लिए। जो प्राइम है, सीधा डायरेक्ट नेताजी बात करते हैं, वो है कौन सी मेमोरी? प्राइमरी मेमोरी। कौन सी है? प्राइमरी मेमोरी। इसको बोलते हैं हम रैम और रोम। तो रैम और रोम प्राइमरी मेमोरी क्या है? जो सीधा डायरेक्ट किससे कांटेक्ट में होगी? सीपीयू के होगी। डायरेक्ट सीपीयू के जो कांटेक्ट में होगी मेमोरी, बेटा यूएसए का है फ्रंटियर। क्या नाम है? फ्रंटियर यूएसए का है। फुगाकू किसका है? जापान का है। फुगाकू जापान का है, जो दूसरा सबसे तेज कंप्यूटर है। फिर इसके अलावा सनवे ताई हुलाइट चाइना का है। अब चाइना तो ये भी दावा करता है, पर ये पब्लिक में नहीं आया है, उसने एक क्वांटम कंप्यूटर बनाया है। क्या बनाया है? क्वांटम कंप्यूटर बनाया है चाइना ने, और जो वो बोलता है कि फुगाकू से 250 गुना तेज है। किससे? फुगाकू से। अब ये चाइना की बात पर कौन विश्वास करे? क्लियर है? चाइना भी बोलता है। तो यहां समझना, जो मेमोरी किससे डायरेक्ट कांटेक्ट में होगी? सीपीयू के। एकदम प्राइम बोलते ना, नेताजी का प्राइम आदमी है, मुख्य आदमी, प्राइमरी मेमोरी, जो नेताजी से क्या है? डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है। डायरेक्ट में नहीं है मतलब, तो ये किसके कांटेक्ट में रहेगा? प्राइमरी मेमोरी के, सेकेंडरी मेमोरी। ये किसमें आ जाएगा? सेकेंडरी मेमोरी में आ जाएगा। तो हम बात करते हैं, अब कुछ लोग क्या समझ लेते हैं, सर जिसमें मेमोरी, जिसमें अगर हम बात करें, कुछ लोग इतने विद्वान हो जाते हैं वो ये सोचते हैं आईसी चिप होगी तो वो प्राइमरी है और मैग्नेटिक टेप है तो सेकेंडरी। भाई मेमोरी कुछ भी हो सकती है, उसका इस्तेमाल हम अपने हिसाब से करते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। जो सीपीयू से डायरेक्ट जोड़ दो, जिस भी मेमोरी को सीपीयू से डायरेक्ट जोड़ दो वही प्राइमरी हो जाएगी। तो जो मेमोरी सीपीयू से डायरेक्ट जुड़ी होगी उसको क्या बोलेंगे हम? प्राइमरी मेमोरी। और जो मेमोरी सीपीयू से डायरेक्ट नहीं जुड़ी होगी उसको क्या बोलेंगे हम? सेकेंडरी मेमोरी बोलेंगे। तो सीपीयू से डायरेक्ट जुड़ी मेमोरी को क्या बोलेंगे? प्राइमरी मेमोरी। जो मेमोरी सीपीयू से डायरेक्ट जुड़ी नहीं होगी उसको सेकेंडरी। फिर आती है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये कैसी मेमोरी? यही बता देता हूं, आगे नहीं पढ़ेंगे, आगे सीधे रैम मेमोरी स्किप कर देंगे, समझना, अभी समझ लो इसी पेज पे। रैम कैसी है आपकी? वोलाटाइल। वोलाटाइल का मतलब क्या होगा? पावर ऑफ करने के बाद क्या है? डेटा क्या हो जाएगा? डिलीट हो जाएगा या इरेज हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं हम? टेम्परेरी स्टोरेज। और ये क्या है? रोम। ये परमानेंट स्टोरेज होगा। और ये क्या है? नॉन वोलाटाइल है।
क्या हो जाएगा, नॉन वोलेटाइल हो जाएगा। अब इसकी मैं बात कर रहा हूँ कौन सी हो जाएगी, इसमें एस रैम और डी रैम आ जाएगा, इसमें भी डी डी आर वन, डी डी आर टू और डी डी आर थ्री, रोम में भी रोम, पी रोम, ई पी रोम, डबल ई पी रोम, ये आ जाते हैं। पी रोम का प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ई पी रोम का इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और फिर है आपका डबल ई पी रोम इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। आवाज आ रही है सभी को? ठीक है, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। फिर इसके बाद आती है सेकेंडरी मेमोरी, एक होती है रैंडम एक्सेस, एक होता है सीडियो स्यूडो एक्सेस, एक होता है सिक्वेंशनल एक्सेस। सिक्वेंशनल एक्सेस का मतलब है जो सिक्वेंस में आएगा, जैसे पुराने जमाने में आपने देखा होगा कैसेट, कैसेट कौन से आपके आते थे, जो पुराने जमाने के कैसेट देखे होंगे, कौन से, रील वाले कैसेट, कौन से वाले कैसेट, जो ब्लैक कलर की एक रील निकलती थी जिसके ऊपर वो काली वाली रील, तो उस वाले कैसेट को क्या बोलते हैं हम, सिक्वेंशनल एक्सेस। सिक्वेंशनल एक्सेस का मतलब ये है कि उसमें एक बीच बीच में भरा है पांचवे नंबर का गाना, और आप चाहते हो कि पांचवे नंबर का गाना सुनो, तो भाई पहले आपको चार सुनने पड़ेंगे, तब जाके पांचवे नंबर का गाना आएगा, शुरू के चार आपको निकालने पड़ेंगे, तो वो कौन सा है आपका, सिक्वेंशनल एक्सेस हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा आपका बेटा, सिक्वेंशनल एक्सेस हो जाएगा। तो याद रखना, मेमोरी की मैं बात की है, किसकी बात की मैंने, मेमोरी की, तो कौन कौन सी हो जाएगी, एक परमानेंट स्टोरेज होगा, एक टेम्परेरी स्टोरेज हो जाएगा। अभी आप ये वाला चार्ट याद रखो, दिख रहा है तो ठीक है, नहीं तो मैं बना देता हूँ, चार्ट दिख रहा है तो ठीक है, नहीं तो मैं बता देना, मैं बना देता हूँ। क्यों बना देता हूँ, ये पूछा जाता है सबसे तेज मेमोरी कौन सी है, तो सबसे तेज कौन सी हो जाएगी बेटा, याद रखना, रजिस्टर एरे कहाँ बताया था मैंने, सीपीयू की मेमोरी बताई थी, सबसे तेज कौन सी है, रजिस्टर एरे, ठीक है। इसके बाद दूसरी तेज कौन सी हो जाएगी, कैचे मेमोरी। तीसरी कौन हो जाएगी, मेन मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी। तीसरी कौन हो जाएगी, मेन मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी। इसके बाद आ जाती है एसएसडी, एसएसडी के बाद आ जाएगा मैग्नेटिक डिस्क। कौन आ जाएगा, मैग्नेटिक डिस्क आ जाएगा, और इसके बाद कौन सा आ जाएगा, मैग्नेटिक टेप। कौन सा आ जाएगा आपका, मैग्नेटिक टेप। तो सबसे तेज मेमोरी कौन सी होगी, रजिस्टर, उसके बाद कैच, फिर तीसरी नंबर पे कौन सी हो जाएगी आपकी, मेन मेमोरी, फिर आ जाएगी एसएसडी। एसएसडी का फुल फॉर्म है सॉलिड स्टेट ड्राइव। कौन सी हो जाएगी, एसएसडी, सॉलिड स्टेट ड्राइव, फिर है मैग्नेटिक डिस्क, फिर है मैग्नेटिक टेप। तो सबसे स्लो कौन सी होगी, मैग्नेटिक टेप। फिर मैंने बताया प्राइमरी मेमोरी के भी दो टाइप होते हैं, रैम, रैम के भी दो हो जाएंगे, एस रैम और डी रैम। प्राइमरी मेमोरी को प्राइमरी मेमोरी क्यों बोला है, क्योंकि ये क्या है, सीधा डायरेक्ट किसके साथ कम्युनिकेट करेगा, सीपीयू के साथ। वही सब लिखा है, पीपीटी में ग्रुप में शेयर कर दूंगा। प्राइमरी मेमोरी है ना कनेक्ट विथ सीपीयू, या सीधा डायरेक्टली कम्युनिकेट विथ सीपीयू, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, मेन मेमोरी बोलते हैं, इंटरनल मेमोरी बोलते हैं, प्राइमरी मेमोरी बोलते हैं, या अंतर्नल मेमोरी, इंटरनल मेमोरी, ये सब इसके नाम है। फिर आती है आपकी सेकंड, ठीक है, वॉलेटाइल मेमोरी है। कैसी है, वॉलेटाइल है, टेम्परेरी स्टोरेज है, ये सब मैं बता चुका हूँ। कैरेक्टरिक्स ये सब नहीं पढ़ेंगे। रैंडम एक्सेस मेमोरी मैं बता चुका हूँ, डी रैम और एस रैम दो होंगी आपके। तेज कौन सी होगी, तो एस रैम, एस मतलब श्री राम याद रख लेना, एस रैम मोर फास्टर देन डी रैम, एस रैम क्या है, फास्टर है। फिर आती है अगला है आपकी ना रोम, रोम का कैच मैंने छोड़ा नहीं है, कैच मेमोरी भी बताऊंगा, है ना। अगला आएगा रोम, रोम का मतलब क्या है, रीड ओनली मेमोरी, यानी नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, ये परमानेंट स्टोरेज है, इसको बोलते हैं पी रोम। पी रोम में डेटा एक बार प्रोग्राम लिख दिया जाएगा, दोबारा नहीं लिखा जा सकता, उसको बोलते हैं पी रोम। फिर आता है ई पी रोम, इसमें किसकी सहायता से, यूवी लाइट की सहायता से इनको मिटाया जा सकता है। तो आपको याद हो पहले सी डी बर्न होता था, क्या होता था, सी डी बर्न, एक डीवीडी राइडर हम यूज करते थे, तो वो क्या करता था, एक लाइट निकालता था, लेंस निकालता था, लेंस से क्या होती थी, लाइट निकलती थी, तो लेंस से कौन सी लाइट निकलती थी, यूवी लाइट। उन लाइट की सहायता से डेटा को डिलीट और क्या किया जाता था, रीराइट किया जाता था। फिर इसके बाद आता है डबल ई पी रोम, तो वर्तमान समय में हम यूज कर रहे हैं, यही कौन सी है, डबल ई पी रोम, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल मेमोरी, जितनी चाहे उतनी बार हम यूज कर सकते हैं। इसके बाद आती है सेकेंडरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी क्या होगी, जिसका काम होगा डेटा स्टोरेज का, जो सीधे किससे कॉन्टेक्ट में होगी, सीधा प्राइमरी या सीपीयू से कांटेक्ट नहीं करेगी, ये किससे कांटेक्ट करेगी, प्राइमरी मेमोरी से कांटेक्ट करेगी। फिर हम बात करते हैं मैग्नेटिक टेप में क्या क्या यूज होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, फोटो खींच लेना और रट लेना। मैग्नेटिक स्टोरेज में हार्ड ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक टेप
ऑप्टिकल स्टोरेज सीडी डीवीडी ब्लू रे डिस्क सॉलिड स्टेट में आ जाएगा, पेन ड्राइव फ्लैश ड्राइव और मेमोरी कार्ड। ये किसके टाइप हैं? ये एमपीपीएससी प्रीवियस ईयर में पूछा गया था, एसएसडी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, आपके काम आएगा। ठीक है, अभी मैंने वर्चुअल मेमोरी छोड़ दिया था, वो मैं बता देता हूँ क्या छोड़ दिया था मैंने, वर्चुअल मेमोरी। यहां से क्वेश्चन आता है वो कैच मेमोरी, तो कैच मेमोरी क्या है? एक बफर है, किस किस के बीच में बफर है याद रखना। ये क्या है आपका? टेम्परेरी है, ठीक है, टेम्परेरी अवेलेबल टू सीपीयू एट अ फास्ट रेट। ये अब देखो ये क्या है कैच मेमोरी, सिंपल सा समझो आप, ठीक है, रैम का ही पार्ट है। मैं एक एग्जांपल लेता हूं, वहां से समझेंगे कैच मेमोरी। इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले, है ना, कैच मेमोरी का एक एग्जांपल। एग्जांपल क्या है, आप ऑफिस में ये क्या है अधिकारी है, ठीक है, आपने अपने जूनियर को भेजा कि जाओ वो वाली 3 महीने पुरानी फाइल ढूंढ के लाओ। अब ऑफिस में आपने क्या है कोई भी ऑर्गेनाइज्ड डेटा नहीं रखा, उल्टा सीधा डाल रखा है डेटा, कहाँ डाल रखा है, उल्टा सीधा डेटा ऑफिस में फाइलें रखी हुई है। हो सकता है उसको 1 दिन 2 दिन 3 दिन लग जाए वो फाइल ढूंढने में। अगर वही फाइल आपसे ने उससे 15 मिनट पहले मांगी हो, 15 मिनट पहले आपने उसको वो फाइल दी हो, तो उसको दोबारा लाने में कितना टाइम लगेगा? सेकंडों में ले आएगा। मतलब जो फाइल 3 महीने पहले दब गई वो नहीं पता कहाँ गई है, वो उसको ढूंढने में टाइम लगेगा, लेकिन जो डेटा रिसेंटली हमने यूज किया है उसको दोबारा इस्तेमाल करना होगा तो तुरंत ले आएगा। सिंपल सा कैच मेमोरी का यही कॉन्सेप्ट है कि हमने जो भी प्रोग्राम अभी रिसेंटली यूज किए हैं हम उनको यूज करेंगे वो फिर से स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि वो सब कहाँ सेव है, कैच में सेव होगा। इसको बोलते हैं हम कैचे मेमोरी, ये बफर मेमोरी है वोलेटाइल, ये बीच में रहेगी। किस किसके बीच में रहेगी? सीपीयू और रैम के बीच में कौन होगा? कैच मेमोरी होगा। कौन होगा? कैच मेमोरी, ऐसे समझो। ये अब क्वेश्चन पूछा जा सकता, सीपीयू और ये कौन है? प्राइमरी यानी कि रैम, और ये मेन मेमोरी है। अब कोई भी डेटा जो है वो पहले कहां से आएगा? यहां से इधर आया, यहां आएगा। अब डेटा जब यहां होगा तो उसको रैम तक जाना पड़ेगा? नहीं, यानी कहां होगा? कैच मेमोरी में होगा, याद रख लेना कहां होगा? कैच में। अब ये रट लो जरा, मैग्नेटिक स्टोरेज मैंने बताया, हार्ड डिस्क ड्राइव फ्लॉपी डिस्क मैग्नेटिक टेप, ऑप्टिकल डिस्क में क्या आ जाएगा? सीडी डीवीडी ब्लू रे डिस्क आ जाएगा, और सॉलिड स्टेट ड्राइव में आ जाएगा पेन ड्राइव फ्लैश ड्राइव मेमोरी कार्ड आ जाएगा। हार्ड डिस्क सिंपल इतना समझो, बाकी कोई ज्यादा चीजें समझने की जरूरत नहीं है, बस इतना समझो। हार्ड डिस्क को भी 3 पार्टों में हमने डिवाइड कर रखा है, किस किस में पार्ट में डिवाइड कर रखा है तो वो समझो। हार्ड डिस्क क्या होगा आपका, किस में डिवाइड होगा आपका? ट्रैक्स में। हार्ड डिस्क किस में ड्राइव होगा? ये होगा पूरा ट्रैक, ट्रैक में क्या होंगे? सेक्टर्स होंगे, याद रखना। हार्ड डिस्क को हमने किस में डिवाइड कर रखा है? ट्रैक में, और ट्रैक में क्या होंगे? सेक्टर्स होंगे। किस में क्या होगा? ट्रैक होगा, और ट्रैक किस में डिवाइड होगा आपका? सेक्टर होगा आपका, ठीक है। ट्रैक किस में होगा आपका? सेक्टर में। और ये इसमें क्या होगी? बहुत सारी प्लेट होंगी, प्लेटर होगा, प्लेट के बाद क्या होगा? सेक्टर वो ट्रैक के बाद क्या होगा? सेक्टर होगा आपका। फ्लॉपी डिस्क इस टाइप की दिखती है, फ्लॉपी डिस्क डिस्क एसेट 3 साइज में आती है। फ्लॉपी डिस्क कितने साइज में आएगी? 8 इंच, 5.25 इंच और 3.5 इंच। तीनों रट लेना, पेपर में पूछा जाता है, बाद में मत बोल रहा ना 21 मई को आके रोना नहीं है। फिर से बोल रहा हूँ, कौन कौन सा? 8 इंच, 5.25 इंच और 3.5 इंच। इन तीनों साइज में क्या आती है आपकी? फ्लॉपी डिस्क आती है, ठीक है। अगला है मैग्नेटिक टेप, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। ये मैग्नेटिक टेप आप सभी ने देखा होगा, ये मैग्नेटिक टेप, ये किसका एग्जांपल है? सिक्वेंशनल डेटा का एग्जांपल है। सीडी डीवीडी आपने देखी है, डीवीडी सीडी, ये 3 टाइप के ना, सीडी डीवीडी की बात हो गई, ब्लू रे डिस्क ऑप्टिकल के एग्जाम्पल हो जाएंगे, मेमोरी कार्ड। इसका स्क्रीन शॉट ले लो, रट लो, जितनी बार रटो उतनी बार कम है, और ये तीनों रटना, यहाँ से पूछा जाता है और आगे भी पूछा जाएगा। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला, ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं फिर से बोल रहा हूँ। क्या इंपॉर्टेंट है इसमें देखो, समझो। फ्लॉपी डिस्क 5.25 इंच का साइज कितना होगा? 1.2 MB कितना होगा? फ्लॉपी डिस्क 5.25 इंच का साइज, जो 5.25 इंच का है उसका कैपेसिटी कितनी होगी? 1.2 MB। स्टोरेज टाइप कैसा होगा? मैग्नेटिक। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सेकेंड फ्लॉपी डिस्क आपका 3.5 इंच, 1.4 MB। फ्लॉपी डिस्क
8 इंच, मैग्नेटिक होगा 80 केबी से 242 केबी, ये भी पूछा जाता है। सीडी की कैपेसिटी कितनी होगी, 640 या 680 एमबी। सीडी डीवीडी होगा 4.7 जीबी, और पेन ड्राइव आपकी 512 तक आ जाता है आपका। ब्लूरे आपकी 25 जीबी, ब्लूरे कितना होगा 25 जीबी, ठीक है, ब्लूरे हो जाएगा आपका 25 जीबी, ये याद कर लेना, रट लेना, आपसे पूछा जाएगा। फिर आता है बेसिक यूनिट मेमोरी की, ठीक है, यहां समझो अगर हम बात करते हैं, यह तो डिजिटल में क्या होगा, बाइनरी लैंग्वेज यूज होगी, कौन सी यूज होगी, बाइनरी भाषा या बाइनरी लैंग्वेज। बाइनरी लैंग्वेज मतलब दो, दो का मतलब होगा यह तो जीरो होगा या वन होगा, यह तो क्या होगा नो होगी या क्या होगा यस होगा, यानी कंप्यूटर में यह तो सिग्नल जाएगा यश होगा या नो होगा, है ना, बिल्कुल अच्छा परफॉर्म करके आया, क्योंकि मैं बोल रहा हूं, देखो बेटा मेरी, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि, लेकिन मेरी गैसिंग फंस जाती है ना, पिछले कुछ सालों से तो ऐसा हो जाता है, आगे भी होगा ऐसा, वो मुझे पता होगा, क्योंकि अपन चीजें जो पढ़ रहे हैं वही, वो पीएससी का जो टेस्ट है वो फिक्स है, तो याद रखना। अभी मैंने क्या बोला आपके साथ, यानी जीरो और वन होगा, जीरो और वन के बाद फिर मैं बात कर रहा हूं कि भाई जीरो और वन इनको क्या बोलते हैं हम, जीरो और वन ये दोनों है आपके बिट, इसको क्या बोलेंगे बिट, जीरो और वन यानी इसको बोले हम एक बिट, मतलब जो हमारा सिग्नल है उसको क्या बोलेंगे हम एक बिट। ज्यादा टेक्निकल नहीं जाऊंगा, आपको समझ नहीं पाओगे, मैं बोलूं कि भाई एक है ना, एक क्या होगा सर्किट होगा, एक सर्किट में दो चीजें होंगी जीरो या वन होगा, तो वो सब नहीं जाएंगे हम, ये समझो एक बिट होगा। अब एक बिट की मैं बात कर रहा हूं, ऐसे ही चार बिट मिलकर क्या बनाएंगे एक निबल, क्या बनेगा एक निबल बनेगा। आठ बिट मिलकर क्या बनाएंगे एक बाइट बनाएंगे, यहां से शुरू करो, आठ बिट का क्या होगा एक बाइट, चार बिट का क्या होगा एक निबल होगा, इसीलिए यहाँ आठ बिट का क्या लिखा है दो निबल या एक बाइट लिखा हुआ है। अगला ये क्या होगा दो की पावर दस में होगा, ऐसे याद रखो, एक अभी मैंने बोला है एक बाइट इक्वल टू कितना हो गया बेटा आठ बिट, ठीक है। अब के मतलब क्या होगा 1000, ठीक है, बट यहां क्या के का मतलब क्या है 2 की पावर, क्योंकि 2 में चल रहा है बाइनरी में, तो 2 की पावर क्या होगा 10 होगा। अब यहां मैं बात कर रहा हूं 1 केबी, 1 केबी इक्वल टू होगा 2 की पावर 10, क्योंकि हमारा जो सिस्टम है बाइनरी किसमें चलता है 2 में, हमारा सिस्टम कौन सा है डेसिमल सिस्टम है। वीडियो अटक रहा है क्या ना, हमारा सिस्टम किसमें चलता है डेसिमल में 10, यानी गिनती आपने पढ़ी होगी, गिनती कहां से कहां पढ़ते हैं जीरो से लेके जीरो एक दो तीन चार पांच छ सात आठ और नौ, टोटल कितने अंक हो गए 10। यहां कहां से शुरू होता है केवल जीरो और वन मतलब दो, ठीक है, तो यहां 10 तक है और यहां कितना है केवल दो तक है, इसीलिए यहां पर क्या लिखेंगे हम 2 की पावर 10, 2 की पावर 10 मतलब 1024 बाइट। फिर आता है एक एमबी बराबर 2 की पावर 10 केबी, यानी 1024 केबी, ठीक। फिर आता है 1 जीबी इक्वल टू 2 की पावर 10 एमबी इक्वल टू 1024 एमबी। फिर आता है 1 टीबी, टीबी इक्वल टू 2 की पावर 10 जीबी इक्वल टू 1024 जीबी। अगला फिर इसके बाद आता है जीबी का भी आ जाएगा पीबी पेटाबाइट, यानी 2 की पावर 10 टीबी इक्वल टू 1024 टीबी। फिर आएगा एग्जाबाइट ईबी, 1 ईबी एग्जाबाइट यानी 2 की पावर 10 पीबी। फिर आ जाएगा आपका अगला नेक्स्ट जेटाबाइट जेडबी, क्या हो जाएगा जेटाबाइट, जेटाबाइट इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 1024 ईबी। फिर क्या आ जाएगा योटाबाइट, योटाबाइट इक्वल टू हो जाएगा 1024 बाईबी। फिर आ जाएगा ब्रोंटोबाइट, 1 ब्रोंटोबाइट इक्वल टू 1024 बाईबी। और सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा जियोबाइट, आपको कौन सा याद रखना है वो समझो, तुम्हें कौन सा याद रखना है वो समझो, इधर तुम्हें दो याद रखने, पहला हाईएस्ट सबसे बड़ी मेमोरी कौन सी है योटाबाइट, कौन सा है योटाबाइट।
अगर एग्जाम में क्या नहीं मिलता आपको, जियोप वाइट नहीं मिलता, तो आपको क्या लगाना है, योटा वाइट आंसर लगाना है, क्योंकि योटा वाइट बहुत ट्रेंड में है, जियोप वाइट नहीं है, और आपसे एग्जाम में पूछ लेगा ग्रेटेस्ट, है ना, यूनिट पूछ लेगा ग्रेटेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी, या मेमोरी की सबसे बड़ी यूनिट कौन सी हो जाएगी, तो वो हो जाएगी योटा वाइट। इतना रट लेना काम हो जाएगा, कौन सी हो जाएगी बेटा, योटा वाइट हो जाएगी। अब यहाँ चीजें आपको क्या क्या समझना है, फिर से समझो, रटना क्या क्या है, यहां से यहां तक रट लेना, कहां तक, टीबी तक, यहां तक पीबी तक, है ना, यानी 1 2 3 4 5 6 7 ये रट लेना, क्या रट लेना ये। अब इनको लिखने का तरीका और समझ लो, ये पूछा गया था एक बार, 1 GB में 1 GB बराबर क्या होगा, ये पूछा गया था, MPPSC प्रीवियस ईयर एग्जाम है, 2003 में आया हुआ प्रश्न है, कब आया है बेटा, 2003 में, कौन सी सन में आया था, 2003 में, वही रिपीट होता है पीएससी। 1 GB इक्वल टू क्या होगा समझो, 1 GB इक्वल टू कितना होगा, कोई बोलेगा सर 1024 MB, हाँ हो सकता है, लेकिन यहाँ उसने दिया था 2 की पावर 10 MB। अब यहाँ समझो 2 की पावर 10 MB, 1 MB बराबर कितना होगा भाई, 2 की पावर 10 KB, तो वहां ये रख देंगे 2 की पावर 10 KB, फिर 2 की पावर 10 KB बराबर कितना हो जाएगा, 1 KB में कितने हो जाएंगे, 2 की पावर 10 byte, तो ये पूछा जाएगा 1 GB बराबर 2 की घात 30 byte, ऐसा आंसर उसने दिया था ये वाला इस फॉर्मेट में, और ऐसा आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, ऐसा आपसे पूछा जा सकता है, 1 GB बराबर कितना होगा, 2 की घात 30 byte, अगर ऐसा पूछा उसने तो ध्यान रखना है ना, क्या करना है अपने को, 2 की 10 2 की 10 घात खोलते जाना है, और सभी को पता है क्या क्या पता है, हम सभी को घात समान, आधार समान होने पर घातें जुड़ जाती हैं, बेस सेम होगा तो पावर ऐड हो जाएगी, क्लियर है, ए की पावर एम इंटू ए की पावर एन इक्वल टू एम प्लस एन, लेकिन समझना इतना, ये समझना है ना, इस चीज को ध्यान रखना। अगली स्लाइड पे चलते हैं, हो गया कंप्लीट, अगली स्लाइड पर बढ़े, ठीक, नेक्स्ट कंप्यूटर नेटवर्क, और ये पीएससी का फेवरेट सब्जेक्ट है, आप जो शुरू कर रहे हैं वो पीएससी का फेवरेट टॉपिक है, क्या है, पीएससी का फेवरेट टॉपिक यहीं से स्टार्ट होता है, अभी तक हमने जो पढ़ा यहां से 2 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है, अभी तक हमने पढ़ा यहां से 1 नंबर बन सकता है, अभी हम जो पढ़ने वाले हैं यहां से 1 से 2 नंबर बनेंगे, कंप्यूटर नेटवर्क और इंटरनेट 2 नंबर पक्के, कितने नंबर पक्के हैं, 2 से 3 नंबर पक्के, 1 नंबर हम पक्का कर चुके हैं, किसमें, बेसिक कंप्यूटर ICT पढ़ के, 1 क्वेश्चन मेमोरी से जरूर आता है, आएगा, और आगे भी बोल रहा हूं आएगा, ठीक है, तो मेमोरी से बाकी बेसिक चीजें हम पढ़ चुके हैं, मेमोरी में रिवीजन के टाइम पर जैसी पढ़ी जा सकती है वैसे ही पढ़ रहे हैं, थ्योरी क्लासेस में तो पता चलता है पूरा महीना लगता है एक, तब जाके खत्म होता है, और मैं यहाँ 3 घंटे में कोई जादूगर नहीं हूँ जो खत्म कर दूंगा, है ना, वो कहने की बातें हैं कि पढ़ाओ ही मत, खत्म कर दो, वो चीज अलग है, तो याद रखना इंटरनेट किसकी बात हो रही, कंप्यूटर नेटवर्क। तो एक कहानी सुनते हैं, ठीक है, कहानी, कहानी क्या है, KGF मूवी की, कौन सी मूवी की कहानी है, KGF की, देखी होगी आप लोगों ने, KGF हो गई या डॉन नंबर 1। अब इसकी कहानी क्या है भाई, समझना, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, KGF मूवी या डॉन नंबर 1, बोलोगे सर नेटवर्क पढ़ा रहे हो कि आप मूवी, तो भाई नेटवर्क ही पढ़ा रहे हैं ना, वो भी तो नेटवर्क था, गुंडों का नेटवर्क, वो भी क्या है, एक नेटवर्क है, तो समझना नेटवर्क क्या होगा, पहले एक व्यक्ति था, ठीक है, जैसे एग्जाम्पल ले लेता हूँ KGF का एग्जाम्पल, पीएससी की ही है भाई, पीएससी की है ना, मैं KGF का एग्जांपल लिया, रॉकी भाई की मैंने बात की, तो रॉकी भाई क्या था भाई,
पहले गली मोहल्ले का मुंबई का छोटा सा भाई, मुंबई में रॉकी भाई अकेले था। फिर रॉकी भाई ने क्या किया, दो दोस्त बनाए। क्या बना लिए, दो दोस्त, और उन दोस्तों के साथ मोहल्ले में गुंडागर्दी शुरू कर दी। कहां पर, मोहल्ले में। मोहल्ले में रॉकी भाई का क्या हो गया, जलवा हो गया। अब मोहल्ले में रॉकी भाई की क्या है, गुंडागर्दी शुरू हो गई। अब मोहल्ले से बढ़ती बढ़ती रॉकी भाई ने क्या किया, पूरी मुंबई, है ना। मतलब पहले रॉकी भाई क्या थे, गली मोहल्ले के गुंडे थे, ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने क्या हो गया, एक सिटी, मतलब पूरी सिटी के गुंडे हो गए, सिटी के। पर रॉकी भाई को क्या चाहिए था, दुनिया। क्या चाहिए था रॉकी भाई को, दुनिया। क्या चाहिए, दुनिया चाहिए। तो भाई अब सिटी से वो कहाँ आ गए, पूरी दुनिया चाहिए, पूरे वर्ल्ड। किस पर आ गए, पूरे वर्ल्ड पर। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं, गली मोहल्ला क्या होगा आपका, एक लोकल बात होगी। कैसी बात होगी भाई, एक लोकल बात है। गली मोहल्ला कैसी बात है, लोकल बात है। मतलब जब छोटा नेटवर्क हो, क्या हो, जब कंप्यूटर क्या हो, बहुत कम जुड़े हो। कंप्यूटर कैसे जुड़े हो, लोकली या बहुत कम एरिया में जुड़े हो, उसको बोलते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। जब कंप्यूटर किसकी में जुड़े हो, एक सिटी में, एक मेट्रो सिटी हो या एक पर्टिकुलर सिटी का नेटवर्क होगा, उसको क्या बोलेंगे हम, मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क या सिटी का एरिया नेटवर्क हो जाएगा। जब दुनिया चाहिए, तो दुनिया मतलब पूरा वाइड एरिया नेटवर्क, मतलब बड़ा रेंज क्या हो गई रॉकी भाई की, बढ़ गई। तो पहले मुंबई थी, मुंबई के बाद पूरा कर्नाटका, पूरी स्टेट आ गई केजीएफ, कोलार गोल्ड फील्ड। कहाँ है, कर्नाटका में। तो मतलब पूरा क्या हो गया आपका, इंडिया। इंडिया के बाद फिर पूरा वर्ल्ड। मतलब यहां समझ सकते हो कि भाई आपका लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क। तो नेटवर्क क्या है, अच्छा एक लोग से बढ़िया नेटवर्क बनेगा क्या, नेटवर्क के एक व्यक्ति का होगा क्या, एक व्यक्ति का नेटवर्क नहीं होता। नेटवर्क क्या होगा, दो या दो से अधिक। याद रखना नेटवर्क में कितने चाहिए, ये वो टॉपिक स्टार्ट हो गया है जहां से पीएससी का फेवरेट टॉपिक है। दो सवाल तो पक्के आने तय है। कितने सवाल, दो। तो याद रखना कितने, दो या दो से अधिक, यानी क्या होंगे, टू एंड मोर कंप्यूटर होंगे। जहां क्या होंगे, दो कंप्यूटर से अधिक कंप्यूटर जुड़े होंगे, दो या दो से अधिक कंप्यूटर जुड़े होंगे, उनको ही क्या बोलेंगे हम, कौन सा कंप्यूटर कौन सा नेटवर्क होगा, यानी कंप्यूटर नेटवर्क, यानी कॉम्बिनेशन या कनेक्शन ऑफ टू एंड मोर कंप्यूटर। दो या दो से अधिक कंप्यूटरों के नेटवर्क को क्या बोलेंगे हम, कंप्यूटर नेटवर्क बोलेंगे। तो वही लिखा है भाई, और क्या लिखा है, देखो जियोग्राफिकली लोकेटेड एनी बिहार, उस पर दिमाग मत लगाओ तुम। दो कंप्यूटर जुड़े होने चाहिए बस, है ना, कहीं भी जुड़े हो। जब ये एक दूसरे से क्या करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे, तो वही जुड़ेंगे क्यों, जो एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए। तो लोकल एरिया नेटवर्क समझ में आया, मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क समझ में आया, वाइड एरिया नेटवर्क समझ में आया। आप समझो यहाँ पर लैन, वैन और मैन, तीनों समझना बहुत जरूरी है। हम रिवीजन क्लास चला रहे हैं, शुरू से नहीं चला रहे हैं ना, तो रिवीजन में उतना पढ़ेंगे जितना आपका पेपर में अभी आने वाला है। देखो सबसे पहले मैंने बात की लोकल एरिया नेटवर्क, फिर मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क, फिर वाइड एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क अगर हम बात करें, तो भाई यहाँ नेटवर्क का साइज कैसा था, छोटा था, रॉकी भाई अकेला था, चार चमचे थे, है ना। फिर क्या हुआ, मेट्रोपोलियन में रॉकी भाई का एरिया बढ़ गया, फिर वाइड एरिया नेटवर्क में लार्जेस्ट, मतलब नेटवर्क साइज सबसे बड़ा कहाँ होगा, वाइड एरिया नेटवर्क में। बट नेटवर्क जितना बड़ा होगा, देखो समझना, तुम्हारे मोहल्ले की खबर होगी तो सबसे पहले किसको पता चलेगा, तुम्हें या तुम्हारे 10 मोहल्ले दूर। याद रखना आपके मोहल्ले की खबर सबसे पहले किसको पता चलेगी, आपको, पड़ोसी मोहल्ले को, तो उसके बाद में पता चलेगा, चलेगा कि नहीं चलेगा भाई। आपके शहर की खबर किसको पता चलेगी, पहले आपको, दूसरे शहर के लोग उसके बाद जानेंगे। अगर आप अवेयर नहीं है तो फिर तो कह ही नहीं सकते, है ना। तो ऐसे ही सिंपल सा लोकल खबर होगी, यानी लोकल एरिया नेटवर्क में सबसे तेज कम्युनिकेशन होगा, स्पीड तेज होगी। फिर अपने, फिर तुम्हारे किसको पता चलेगी, मोहल्ले को, तुम्हारे मोहल्ले से तुम्हारी सिटी को, और उसके बाद दूसरी सिटी को, दूसरी सिटी से बाद तीसरी सिटी, और फिर पूरे देश में फैल जाएगी। तो कुल मिला के हमने क्या सीखा कि सबसे ज्यादा तेज, फिर जब पूरी इंडिया को पता चल जाएगी, तब उसके बाद किसको पता चलेगी, पूरी दुनिया को पता चलेगा। मतलब सबसे ज्यादा स्पीड किस, कौन से नेटवर्क में होगी,
लोकल में, क्योंकि गिने चुने लोग हैं। कैसे लोग हैं? गिने चुने, इसीलिए स्पीड लोकल एरिया फास्टेस्ट, ये स्लोअर और ये स्लोएस्ट। सो सबसे तेज कौन सा होगा? लोकल एरिया नेटवर्क। सबसे फास्ट कौन सा होगा? वाइड एरिया नेटवर्क होगा। कॉस्ट किसकी भाई? कम छोटा एरिया कम कॉस्ट आएगी, बड़ा एरिया कॉस्ट बढ़ती जाएगी। तो समझने की जरूरत नहीं है। अब यहां देखो, कंप्यूटर, कंप्यूटर का मतलब समझो रॉकी भाई के लोग, गुंडे, है ना। तो यहाँ क्या होंगे? कम होंगे। यहाँ क्या होंगे? ज्यादा होंगे। और सबसे ज्यादा कहाँ होंगे? वाइड एरिया नेटवर्क में। मतलब एरिया बढ़ता जाएगा तो नंबर ऑफ कंप्यूटर्स भी बढ़ते जाएंगे। इसके बाद आता है कैंपस एरिया नेटवर्क। क्या आता है? एक कैंपस, एक कॉलेज कैंपस के नेटवर्क को बोलेंगे कैंपस एरिया नेटवर्क। एक होता है BAN, बॉडी एरिया नेटवर्क। बॉडी एरिया नेटवर्क का मतलब है एक व्यक्ति ने क्या कर रखा है, 10 इलेक्ट्रॉनिक आइटम या 10 इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पहन रखे हैं। डिजिटल वॉच, ईयरफोन, ठीक है, डिजिटल गॉगल लगा ले, और कार वार पता नहीं पूरा सब उसने क्या कर रखा है, एकदम चकाचक सबको जोड़ रखा है। तो उसकी पूरी बॉडी का नेटवर्क बन गया ना एक, यहाँ ये घड़ी इसको मैसेज भेज रही है, इसको मैसेज भेज रहा, तो मतलब क्या है ये बॉडी एरिया नेटवर्क। आजकल कुछ थ्योरियां आ गई हैं जिनको क्या बोलेंगे हम, बॉडी एरिया नेटवर्क, है ना। एक क्या होगा आपका कैंपस एरिया नेटवर्क, बॉडी एरिया नेटवर्क। एक होता है VPN, जिसको हम पढ़ेंगे वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। क्या होगा? VPN क्या होगा? वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, जिनको हम आगे देखेंगे ना। अब नेटवर्क भी दो टाइप का होगा। क्या होगा? नेटवर्क दो टाइप का होगा। एक होगा क्लाइंट सर्वर नेटवर्क, एक होगा पीयर टू पीयर नेटवर्क। यहां समझो, जब दो बराबर के लोग बात करेंगे तो बात बराबरी की होगी। बात बराबरी की होगी मतलब पीयर टू पीयर नेटवर्क होगा। लेकिन जब एक बॉस हो बाकी सब क्या हो? उसके चमचे। मतलब एक ही डॉन हो बाकी सब उसके क्या है? नीचे वाले। वो ऊपर वाला बताएगा तुम्हें क्या करना है क्या नहीं करना है। तो एक क्या होगा? जिसके पास सारी चीजें रहेंगी, जो सारी इंफॉर्मेशन देगा, वो कौन होगा? सर्वर। जिसके पास सारी इंफॉर्मेशन रहेंगी वो कौन होगा? सर्वर। बाकी सब क्या होंगे? क्लाइंट। इसको बोलते हैं क्लाइंट सर्वर मॉड्यूल। क्या बोलेंगे बेटा? क्लाइंट सर्वर मॉड्यूल। क्लाइंट कौन होगा? बाकी सब नीचे वाले, और सर क्लाइंट और सर नेटवर्क कौन होगा? जो मेन है आपका। तो इसको बोलते हैं क्लाइंट सर्वर मॉड्यूल। सर्वर का मतलब क्या होगा? जिसके पास सारी इंफॉर्मेशन रहेगी, सारी इंफॉर्मेशन रहेगी उसको क्या बोलेंगे हम? सर्वर, ठीक है। और इंफॉर्मेशन को लेने के लिए यह क्या करेंगे? रिक्वेस्ट करेंगे। इसको बोलते हैं क्लाइंट सर्वर मॉडल। और याद रख लेना इंटरनेट इसी पर आधारित है। किस पर? इंटरनेट किस पर आधारित है? रट लेना, क्लाइंट सर्वर मॉडल पर। पीयर टू पीयर नेटवर्क का मतलब यह है जहां कोई भी क्या नहीं है, यहाँ कोई सर्वर और क्लाइंट नहीं है। क्या नहीं है? क्लाइंट और सर्वर नहीं है, उसको बोलते हैं पीयर टू पीयर नेटवर्क। यहाँ हमेशा एक क्या होगा? सर्वर होगा। सर्वर कौन है आपका? एक ऐसा कंप्यूटर जिसके पास सारी जानकारी सारी इंफॉर्मेशन है, उसको बोलते हैं सर्वर है। और जो क्लाइंट होगा, जिसके पास सारी इंफॉर्मेशन नहीं होगी, क्लाइंट के पास क्या है? सारी इंफॉर्मेशन नहीं है, ये क्या करता है? रिक्वेस्ट करता है। किससे? सर्वर से। कैसी रिक्वेस्ट करेगा समझो, आगे हम पढ़ेंगे। HTTP के थ्रू, है ना। किसके थ्रू? HTTP के थ्रू, जिसको बोलते हैं HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। बस अभी इतना ही समझना है ना, अभी समझना। पीयर टू पीयर, जहां कोई भी क्या नहीं है, सर्वर नहीं है, यहां क्या होगा? पीयर का मतलब है एक कंप्यूटर, दूसरा पीयर से मतलब है दूसरा कंप्यूटर। यहां एक कंप्यूटर है, यहां पर भी क्या है? दूसरा कंप्यूटर है। अच्छा, जो सूचना दे वो सर्वर है। अब ये व्यक्ति क्या कर रहा है? ये क्या कर रहा है? इंफॉर्मेशन सेंड कर रहा है। कौन कर रहा है? ये इंफॉर्मेशन सेंड कर रहा है, इंफॉर्मेशन सेंड कर रहा है। किसने इंफॉर्मेशन सेंड की? ए ने। तो ए कौन हो जाएगा? सर्वर हो जाएगा। और बी कौन हो जाएगा? क्लाइंट हो जाएगा, ठीक है भाई। अगर अब बी क्या कर दे, यहां से बी क्या कर रहा है? अभी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा है, बी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा है। और तो ए क्या हो जाएगा आपका? क्लाइंट हो जाएगा। और बी क्या हो जाएगा? सर्वर हो जाएगा। इसको बोलते हैं हम क्लाइंट सर्वर मॉडल। समझ में आया? क्लाइंट सर्वर मॉडल क्या है? जो इंफॉर्मेशन को दे वो सर्वर, जो इंफॉर्मेशन ले वो क्लाइंट। तो हम क्या करते हैं इंटरनेट से इंफॉर्मेशन देते हैं कि लेते हैं? भाई लेते ही है ना, गूगल पे सर्च करके। तो इसीलिए इसको बोलते हैं हम क्लाइंट सर्वर मॉडल। ऐसा समझो, है ना, क्लाइंट सर्वर मॉडल, ठीक है। तो क्लाइंट सर्वर मॉडल में क्या होगा? एक इंफॉर्मेशन को शेयर करेगा। पीयर टू पीयर में कोई भी क्लाइंट नहीं है, कोई भी सर्वर नहीं है, ऐसे समझो क्लाइंट सर्वर मॉडल। तो क्लाइंट क्या करेगा? रिक्वेस्ट करेगा। कौन सी रिक्वेस्ट करेगा?
सर्वर से, किसके माध्यम से? HTTP। HTTP क्या है जरा बताओ? HTTP क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और ये क्या है? HTTP रिस्पॉन्स। ठीक है, क्लाइंट सर्वर मॉडल। नेक्स्ट, नेटवर्क टोपोलॉजी, और ये आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, रिंग टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, फुली कनेक्टेड मैश, इसको क्या बोलते हैं हम? ग्राफ। ये है फुली कनेक्टेड मैश, इसको बोलते हैं ग्राफ। ये है ट्री और ये है बस। तो कितनी टोपोलॉजी पढ़नी है अपने को? एक पढ़ना है, दो पढ़ना है, तीन पढ़ना है, चार पढ़ना है और पांच। ये फुली कनेक्टेड मैश है, मैश का ही टाइप है। मैश का ही टाइप क्या है? फुली कनेक्टेड मैश, जिसको क्या बोलते हैं हम? ग्राफ। MPPSC में कुछ दिन पहले क्वेश्चन पूछा गया था, एक या दो साल पहले, जिसपे लोगों में बड़ा विवाद चला था। कुछ लोग बोल रहे नहीं ट्री सही होगा, कुछ लोग बोलते नहीं ग्राफ सही होगा। तो भाई कैसे ही था, उसने आंसर बोला था ट्री और ग्राफ दोनों सही है। मतलब फुली कनेक्टेड मैश का क्वेश्चन उसने पूछा था। क्या पूछा था? फुली कनेक्टेड मैश पूछा था। ठीक है, आप समझो यहाँ पर। ठीक है, इसका एप्लीकेशन क्या होगा नेटवर्क का? अच्छा, एप्लीकेशन ऑफ नेटवर्क, नेटवर्क के अनुप्रयोग क्या है? हम नेटवर्क को क्यों बनाते हैं जरा बताओ? नेटवर्क के अनुप्रयोग क्या होंगे? क्या क्या उपयोग हो सकता है नेटवर्क का? पहला उपयोग हो सकता है नेटवर्क का, जैसे कि एग्जाम्पल आपने साइबर कैफे में देखा होगा। साइबर कैफे वाला क्या करता है? ठीक है, बहुत सारे कंप्यूटर रखे होंगे उसने, और प्रिंटर कितने होंगे? प्रिंटिंग मशीन्स कितनी होंगी? केवल एक या दो। मतलब 50 लोग या 50 कंप्यूटर मिलकर क्या करते हैं? एक प्रिंटिंग मशीन का यूज करते हैं। एग्जाम्पल समझो, फिर से समझो, मैं एग्जाम्पल की बात कर रहा हूँ। किसकी? ऑफिसों की एग्जाम्पल की बात कर रहा हूँ। एक बड़ा बड़ा, बहुत बड़ा ऑफिस है। इस ऑफिस में, ठीक है, 20 लोग काम करते हैं। कितने लोग काम करते हैं? 20 लोग। क्या 20 लोगों को हर एक को इंडिविजुअल प्रिंटर दिया जाएगा? क्या हर एक को इंडिविजुअल प्रिंटर देंगे तो 20 प्रिंटर की आवश्यकता होगी? ऐसा तो है नहीं कि वो प्रिंटर हमेशा चलता रहे 24 घंटे रातों दिन। भाई प्रिंटर का यूज तो कभी कभी होगा, उसी से एक आध प्रिंट निकाल लिया। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या चाहते हैं? आप किसी को, आप ऐसा तो होगा नहीं किसी एक को ही प्रिंटर दे दो। हम चाहते हैं कि सभी के पास क्या हो? प्रिंटर हो। तो हम क्या करेंगे? एक नेटवर्क बना देंगे और उस नेटवर्क में किसको कनेक्ट कर देंगे? प्रिंटर को। तो जिसको जरूरत होगी वो उस प्रिंटर का क्या कर लेगा? इस्तेमाल कर लेगा। तो मतलब किसका शेयर कर लिया हमने? रिसोर्स, यानी हार्डवेयर शेयरिंग। हार्डवेयर को शेयर करने में, सॉफ्टवेयर को शेयर करने में, कुल मिला के हम बोल सकते हैं नेटवर्क का उपयोग हम क्या कर सकते हैं? रिसोर्स को शेयरिंग करने में कर सकते हैं। इसके अलावा डेटा नेटवर्क क्यों बनाया जाता है? जिससे हम इंफॉर्मेशन को जल्दी से जल्दी भेज सकें। भाई नेटवर्क से कनेक्ट नहीं होगे तो आप इंफॉर्मेशन भेज सकते हो? आपके मोबाइल में नेटवर्क नहीं आ रहा है। बोलता ना कि फ्लाइट मोड में डाल दो आप अपना लैपटॉप मोबाइल कंप्यूटर। फ्लाइट मोड में डालने के बाद अब आप किसी को कॉल कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जब तक आप नेटवर्क से कनेक्ट नहीं हो तब तक इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। बोलते हमारे मोबाइल में टावर नहीं आ रहा है, अभी कॉल नहीं लगेगा। तो मोबाइल में टावर नहीं आ रहा, कॉल क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि आप नेटवर्क से कनेक्ट नहीं है। तो जब आप पहले नेटवर्क से कनेक्ट होंगे तभी इंफॉर्मेशन को क्या कर पाएंगे? शेयर कर पाएंगे। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा? नेटवर्क से कनेक्ट होना पड़ेगा। क्लियर है? ज्ञान समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? ना चीजें थोड़ी सी कठिन है और अपन थोड़ा जल्दी जल्दी चला रहे हैं। ठीक है, इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं, ईमेल भेज सकते हैं, वो आप सब समझ गए ना। अगली आती है नेटवर्क टोपोलॉजी। और नेटवर्क टोपोलॉजी, टोपोलॉजी का मतलब क्या होता है पहले ये बताओ। ज्ञानी लोग आ चुके हैं, भाई ज्ञानी लोग बताओ नेटवर्क टोपोलॉजी का मतलब क्या है? पहले तो टोपोलॉजी का मतलब बताओ, अदरवाइज आपको नेटवर्क कभी समझ में नहीं आने वाला है ना। टोपोलॉजी, क्योंकि भाई हमें करना क्या है? पहली चीज तो हमने देखा नेटवर्क क्या होता है, हमने ये समझा। क्लाइंट सर्वर कंप्यूटर क्या है ये समझा, पीयर टू पीयर नेटवर्क क्या है ये समझा, लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क, ये हमने समझा। ये सारी चीजें मैंने समझा दी। स्पीड किसमें ज्यादा होगी किसमें कम होगी, बहुत सारे आसान तरीके से मैंने आपको बताया। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ टोपोलॉजी क्या होगी। अगर आपको टोपोलॉजी नहीं पता तो आप कंप्यूटर नेटवर्क नहीं सीख सकते। टोपोलॉजी का मतलब है जुड़ने का तरीका। टोपोलॉजी का मतलब क्या होगा? जुड़ने का तरीका, नेटवर्क को जोड़ने का तरीका। जैसे कि एक एग्जांपल मैं ले लेता हूं।
ये चार आइटम है मेरे पास, एक दो तीन चार। अब मैं ऐसे जोड़ सकता हूँ चारों को, चारों मैंने ऐसे जोड़ दिए। एक तरीका हो गया जोड़ने का, भाई देखो एक ही पॉइंट पर मिल रहे हैं चारों। हाँ मैं बोलूंगा मेरा हाथ ने जो है सबको जोड़ रखा है, ठीक। फिर दूसरा तरीका, दूसरा तरीका क्या है, आगे पीछे जोड़ सकते हैं ऐसे, ऐसे मैंने जोड़ दिया, आगे पीछे जोड़ सकते हैं। हाँ बोले जोड़ दिया मैंने, वही चारों जोड़ गए, क्या हो गए चारों जोड़ दिए। दूसरा तरीका, फिर तीसरा, बोले सर ऐसे जोड़ दो ऐसे, नया ये हो गया एक तरीका, ये जोड़ दिया। कोई बोलता नहीं 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 ऐसे नहीं, एक ऊपर रखो ऐसे ऐसे और ऐसे जोड़ दो। कोई ये कहता, कोई कहता नहीं 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 ऐसे जोड़ो, गोल घेरा बना, क्या बना दो, गोल घेरा बना दो, रिंग बना दो, ऐसे जोड़ दो, कैसे जोड़ दो, ऐसे जोड़ दो। कोई कहता नहीं 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 ऐसे जोड़ो, कैसे, ऐसे जोड़ दो। तो भाई सबके क्या है, अलग अलग तरीके हो सकते हैं जोड़ने के। तो जो चीजों को जोड़ने का जो तरीका है वही क्या है, फिर से समझना, चीजों को जोड़ने का जो तरीका है उसको ही मैंने क्या बोला है आपका, टोपोलॉजी। फिर से समझना, बहुत चीजें, बहुत आसान सी चीज है, अदरवाइज आप नहीं सीख पाएंगे। टोपोलॉजी का मतलब क्या है, चीजों को जोड़ने का तरीका। अब यहाँ चीजें नहीं है, यहाँ क्या है, कंप्यूटर। जब हम कंप्यूटर को जोड़ेंगे कैसे, नेटवर्क में अपनी सुविधा के अनुसार, उसको क्या बोलेंगे हम, नेटवर्क टोपोलॉजी। क्या बोलेंगे, नेटवर्क टोपोलॉजी, ठीक है। तो पहला टोपोलॉजी है बस टोपोलॉजी, समझना, अदरवाइज तो फिर यहां से क्वेश्चन बनता ही बनता है, फिर मत बोलना ये क्या, ये क्या हो गया है, क्या से क्या हो गया है ना, तो क्या से क्या हो गया फिर नहीं पता, मैं उसके लिए जवाबदार नहीं हूं, ठीक है। फिर से समझना, दिखे नहीं दिखे उस पे छोड़ो, उस पे ध्यान मत दो, तुम स्लाइड पे ध्यान मत दो, ध्यान मेरी बातों पे दो, है ना, स्लाइड को जाने दो। आपको अगर मेरी बातें समझ में आ रही हैं तो समझ में आएगा, स्लाइड क्लियर दिख रही होगी तब भी समझ में नहीं आएगा, है ना। इतना ही आसान समझ में होता तो सबके नंबर आ जाते बेटा, ठीक है। बोलते पढ़ने के बाद भी नहीं बनता, तो पढ़ने क्या, तुम 10 बार पढ़ लो 50 बार पढ़ लो तब भी नहीं बनेगा, जब तक चीजें समझोगे नहीं तब तक नहीं बनेगा। फिर से समझो, मैं बात कर रहा हूँ बस टोपोलॉजी, किसकी बात कर रहा हूँ, बस टोपोलॉजी। नाम क्या होता है, बस। अब कुछ लोग बस ही नहीं समझ पाते, बस का मतलब होता है कनेक्टिविटी, चीजों को कनेक्ट करने वाली चीजें, उसको क्या बोलते हैं, बस। जैसे कंप्यूटर में क्या बोलते हैं, बस का मतलब है तार, कंप्यूटर में बस का मतलब क्या होगा, वायर। बस का मतलब क्या है, वायर, ये समझो। कंप्यूटर में बस का मतलब क्या है, वायर, मेन वायर, बैकबोन केबल। तो यहाँ एक मेन वायर होगा, क्या होगा, एक। बस का मतलब क्या है, वायर, यहाँ कौन होगा, एक मेन वायर होगा, क्या होगा, मेन वायर होगा, या मेन क्या होगी, वायर को हम क्या बोलते हैं, केबल भी बोलते हैं, मेन केबल, इसको ही क्या बोलेंगे हम, बैकबोन केबल, क्या बोलेंगे, बैकबोन केबल। फिर से समझना, फिर से समझना, हाँ या हूँ कुछ तो रिप्लाई दो, कि सिर्फ केवल सत्यनारायण की कथा सुनना है, है ना भाई। जवाब आते रहेंगे तो क्लास चलती रहेगी, जवाब बंद हो जाएंगे तो क्लास भी बंद कर दी जाएगी, ठीक है। आप जब तक आपके जवाब आएंगे तब तक हमारी क्लास चलेगी, समझना। हाँ जब तक बसंती नाचेगी तब तक जय और बीरू की जान बची रहेगी, सिंपल वैसा ही है। जब तक आपके जवाब आते रहेंगे तब तक क्लास चलती रहेगी। तो समझो मैं बात कर रहा हूं यहाँ पर बस टोपोलॉजी, बस का मतलब है वायर, वायर क्या है आपकी, मेन वायर है यानी केबल है, इसको हम बोलते हैं बैकबोन केबल। क्या बोलेंगे बेटा इसको, बैकबोन केबल बोलते हैं। अब बैकबोन केबल की बात आती है, बैकबोन केबल मतलब मेन केबल, तो यहाँ क्या होगी, एक मेन केबल होगी, इसको बोलते हैं हम बैकबोन केबल। मैंने ब्लैक कलर से बना दी, क्या बना दी, ये ब्लैक कलर से बना दी, ये क्या है, बैकबोन केबल या मेन केबल है, इसको क्या बोलते हैं हम, बैकबोन केबल या मेन केबल होगी आपकी। अब इस बैकबोन केबल की जब मैं बात कर रहा हूं तो यहां समझो, बैकबोन केबल से एक हमने ए जोड़ दिया, ये है नोड ए, ये है नोड बी, ये क्या है नोड सी, नोड डी, ई और एफ, यानी ये सारी चीजें किससे जुड़ी हुई हैं, इस केबल से जुड़ी हुई हैं। अगर इस केबल में करंट आएगा या इस केबल में क्या आ जाए, कोई भी एक मैसेज आए, तो इस केबल से मैसेज जब भी पास होगा, मैसेज क्या होगा, पास होगा तो सबको मिलेगा,
क्या मिलेगा? मैसेज किसको मिलेगा? सभी को मिलेगा। सभी को मैसेज मिलेगा मतलब आपने मैसेज भेज दिया और सभी को मिलेगा, इसको हम बोलते हैं ब्रॉडकास्टिंग। क्या बोलेंगे? ब्रॉडकास्टिंग। तो याद रखना, ब्रॉडकास्टिंग में कौन सी टोपोलॉजी इस्तेमाल हुई थी? ब्रॉडकास्टिंग में कौन सी टोपोलॉजी इस्तेमाल होती है? ब्रॉडकास्टिंग में कौन सी टोपोलॉजी इस्तेमाल होगी? बस टोपोलॉजी। फिर से रिपीट कर रहा हूं, ब्रॉडकास्टिंग में कौन सी टोपोलॉजी इस्तेमाल होगी? बस। क्लियर है? हाँ या ना? ब्रॉडकास्टिंग में क्या होगा आपका? बस टोपोलॉजी इस्तेमाल होगी। फिर से रिपीट करूं, बस का मतलब क्या होगा कंप्यूटर में? बस का मतलब होता है केबल। केबल का मतलब है वायर, मतलब मेन केबल होगी यहाँ पर। मेन केबल का मतलब क्या है? बैकबोन केबल होगी। बैकबोन केबल के थ्रू क्या होगा, जब मैसेज पास होगा उसको क्या बोलेंगे हम? बस टोपोलॉजी बोलेंगे। फिर आती है स्टार टोपोलॉजी। क्या होगा यहाँ पर? स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी का मतलब यह है, यहाँ पर मेन बीच में क्या होगा आपका? एक मेन होस्ट कंप्यूटर होगा जिससे सारी चीजें क्या होंगी? कनेक्ट होंगी। क्या होगा? होस्ट कंप्यूटर से सारी चीजें कनेक्ट होंगी। ये कौन है आपका? होस्ट है जिससे सारी चीजें कनेक्ट हैं, इसको क्या बोलते हैं हम? स्टार बोलते हैं। क्या बोलेंगे? स्टार। यानी होस्ट है और ये चाहे किसी की भी चीजें बंद कर सकता है, इसको बोलते हैं हम स्टार टोपोलॉजी। यहाँ क्या होगा? होस्ट होगा या हब होगा, इसको क्या बोलते हैं हम? स्टार टोपोलॉजी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? स्टार टोपोलॉजी बोलेंगे। फिर आता है ट्री टोपोलॉजी। ट्री टोपोलॉजी जैसे पेरेंट्स ट्री, जैसे आपके दादाजी, दादाजी के दो बेटे, ठीक है, फिर उनके भी दो बेटे, फिर उनके भी दो बेटे, तो ये क्या बन गया आपका? एक ट्री बन गया। क्या बन गया? एक ट्री बन गया। पेरेंट्स ट्री हो सकता है या कोई भी ट्री हो सकते हैं, उसको क्या बोलेंगे हम? ट्री टोपोलॉजी बोलेंगे। तो पहला हमने कौन सा देखा? बस टोपोलॉजी। फिर दूसरा कौन सा है आपका? स्टार टोपोलॉजी। फिर तीसरा कौन सा है? ट्री टोपोलॉजी। अगला है रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी में क्या होगा आपका? सभी किसके थ्रू जुड़े हैं? एक रिंग के थ्रू जुड़े हैं। यहां होगा क्या? अगर ए और ये बी है, ये सी, ये डी, अगर ए को कोई मैसेज पास करना है ई को, तो वो या तो एच के थ्रू जाएगा या जी के थ्रू जाएगा या एफ के थ्रू जाएगा, या तो बी के थ्रू जाएगा, सी के थ्रू जाएगा या डी के थ्रू जाएगा। मतलब ये मैसेज इसके थ्रू डायरेक्ट नहीं जा सकता, बीच में यहां से होकर जाएगा। तो यहाँ कौन सी टोपोलॉजी इस्तेमाल होगी? रिंग टोपोलॉजी इस्तेमाल होगी। अगली है मैश टोपोलॉजी। कौन सी है अगली? मैश टोपोलॉजी की मैं बात कर रहा हूं। जैसे चार व्यक्ति ले लिए मैंने, ए बी सी डी, फिर हो सकता है आपका ई और ये एफ, ये सभी एक दूसरे को मैसेज भेज रहे हैं। क्या कर रहे हैं? मैसेज। तो आप देखोगे यहां पर ऐसे कनेक्ट हो जाएंगे अगर, तो क्या बन जाएगा? ये रिंग बन जाएगा। लेकिन अगर ए किससे कनेक्ट है आपका? सी से। ए किससे कनेक्ट है? डी से। ए किससे कनेक्ट है? एफ से। और ए किससे कनेक्ट है? ई से। फिर अगर हम देखें यहां से, बी किससे कनेक्ट है? सी से। बी किससे कनेक्ट है? डी से। बी किससे कनेक्ट हो गया? एफ से। बी किससे कनेक्ट हो गया? ई से। फिर आप देखो सी किससे कनेक्ट नहीं है, बोले सी किससे कनेक्ट नहीं है आपका? एफ से कनेक्ट नहीं है, तो सी एफ से कनेक्ट हो गया आपका, ठीक है। फिर इसके बाद सी किससे कनेक्ट नहीं है? ई से। ये सी ई से कनेक्ट हो गया। तो सभी एक दूसरे से क्या हो गए? कनेक्ट हो गए। इसको क्या बोलते हैं हम? मैस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैस टोपोलॉजी बोलते हैं। जहां पर सभी नोड एक दूसरे नोड से कनेक्ट होंगे, उसको क्या बोलेंगे हम? मैस टोपोलॉजी इस्तेमाल बोलते हैं। तो यहां समझना भाई ये क्या है, अंतर हो जाएगा, डिफरेंस बस रिंग और मैस में। यहां बस इतना याद रखना, यहाँ कोई भी बिटवीन नोड्स नहीं है। किसमें? बस टोपोलॉजी में सीधा एक दूसरे से कनेक्ट है। रिंग टोपोलॉजी में एक दूसरे से क्या होंगे? बिटवीन नोड्स होंगे आपके। स्टार टोपोलॉजी आप याद रखना, आप यहाँ पर भी क्या होगा आपका? कोई भी नोड नहीं है। नोड किसमें है? रिंग में है आपके। ब्रॉडकास्टिंग किसमें होगा आपका? बस टोपोलॉजी में यूज होगा आपका, ठीक है। रिंग टोपोलॉजी क्या है आपकी? आसान है। स्टार टोपोलॉजी आपकी टफ है आपका। ये सारी चीजें यहाँ पर शुरू होगा आपका। कुछ नेटवर्क मीडिया देखते हैं हम। नेटवर्क मीडिया में आप देखोगे आपके कुछ केबल यूज होते हैं, ट्विस्टेड पेयर का। अब यहाँ पर डिवाइसेस हम देखते हैं जो आपके एग्जाम में आते ही आते हैं, ठीक है। कुछ प्रोटोकॉल के नाम याद रख लेना, अभी इतना टाइम नहीं है कि अपन उनको पढ़ सकें,
ठीक है, मैं उनके नाम बता देता हूँ, आप उनके फुल फॉर्म चाहो तो लिख लेना। SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, SNMP सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, DNS डोमेन नेम सिस्टम। ठीक है, DNS का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, डोमेन नेम सिस्टम। फिर आगा अगला आ जाएगा आपका, ठीक है, फिर HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल हो जाएगा, फिर आ जाएगा TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, UDP यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, और ICMP मतलब है ना इंटरनेट कॉन्फ़िगरेशन मैसेज प्रोटोकॉल हो जाएगा अगला, ARP एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल हो जाएगा, IP इंटरनेट प्रोटोकॉल हो जाएगा। ठीक है, तो प्रोटोकॉल से हम बात करते हैं, TCP का मतलब ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, IP का मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल, HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, HTTPS मतलब हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, TCP का ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, IP मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल हो जाएगा, FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल और HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, HTTPS मतलब हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। अब कुछ डिवाइसेस देखना, हब रिपीटर ब्रिज राउटर गेटवे हमेशा आता है, तो याद रखना हब क्या है, एक मल्टीपोर्ट है कनेक्शन डिवाइस होता है, जो किसमें यूज होता है, लैन में यूज होता है, आपने अक्सर देखा होगा किसमें यूज होता है, लैन में यूज होता है आपका। तो लोकल एरिया नेटवर्क में कौन सा यूज होगा आपका, हब यूज होता है। इंटरकनेक्ट किसको, लैन को कनेक्ट करने में कौन यूज होगा, हब का इस्तेमाल होता है, किसका इस्तेमाल होगा, हब। तो हब का यूज कहाँ होगा, फिजिकल लेंथ या फिजिकल नेटवर्क को कनेक्ट करने में कौन यूज होगा आपका, हब का यूज होता है। हब का यूज कहाँ हो जाएगा, फिजिकल नेटवर्क को कनेक्ट करने में यूज होगा। अगला होता है रिपीटर। रिपीटर का काम क्या होगा, मैसेज को पास करने में, लंबी केबल में क्या होता है, मैसेज पास नहीं होता, रिपीटर क्या करता है, मैसेज को पास करने में किसका यूज होगा, रिपीटर का यूज होगा। रिपीटर का यूज क्या होगा, मैसेज को पास करने में होगा। ब्रिज क्या करता है, दो नेटवर्क को जोड़ने का काम करता है, जैसे आपने देखा होगा और दो रोड को जोड़ने का काम कौन करता है, ब्रिज। वैसे ही सेम दो टाइप की रोड को जोड़ने का काम कौन करेगा, ब्रिज काम करता है। तो ब्रिज क्या करता है, दो रोड को जोड़ने का काम करता है, उसको बोलते हैं हम ब्रिज क्या करता है। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट सेम प्रोटोकॉल वाले, कौन से सेम प्रोटोकॉल वाले को जोड़ने का काम कौन करेगा, ब्रिज काम करे। अगला होता है राउटर। राउटर भी क्या करता है, बहुत सारे नेटवर्क को जोड़ता है, बट यहाँ प्रोटोकॉल्स क्या होंगे, डिफरेंट डिफरेंट प्रोटोकॉल्स को जोड़ने का काम कौन करेगा, राउटर करता। अगला है गेटवे। गेटवे भी क्या करता है, बहुत से नेटवर्क को डिवाइस को कनेक्ट करेगा, जो क्या होंगे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्रोटोकॉल्स होंगे। ठीक है, समझना, राउटर क्या है आपका, कनेक्ट करता है मल्टीपल नेटवर्क को, सिमिलर और डिफरेंट प्रोटोकॉल दोनों को करेगा। लेकिन गेटवे क्या करता है, जो डिफरेंट प्रोटोकॉल के होंगे, कैसे होंगे, डिफरेंट टाइप के प्रोटोकॉल्स को कनेक्ट करेगा, कौन सा, गेटवे, और राउटर दोनों को कनेक्ट करता है। ब्रिज क्या करेगा, सेम प्रोटोकॉल वाले को कनेक्ट करेगा। ठीक है, तो इंटरनेट क्या है, इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे, हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट, अभी यहां जाने दो, क्या चीजें और बता देता हूं मैं। इंडिया में इंटरनेट की शुरुआत कब होती है, 15 अगस्त 1995 को, कब होगी, 15 अगस्त 1995 की इंडिया में इंटरनेशनल पहली स्टार्ट हो जाती है, पहली इंटरनेट सेवा। साइबर कैफे कहाँ खुलेगा, मुंबई के होटल में। पहली ऑनलाइन बैंकिंग कौन करेगा, ICICI बैंक क्या करती है, पहली ऑनलाइन सेवा शुरू करेगी। फर्स्ट केस कब आता है आपका इंडिया में हैकिंग का, तो टीनेजर हैक कर लेता है किसकी, बार्की की साइड को, बार का डेटा को। वेव दुनिया क्या है, पहला हिंदी पोर्टल है, ये पूछा जाता है, पहला हिंदी पोर्टल कौन सा हो जाएगा, वेव दुनिया। और याद रखना, बहुत सारी इंडियन पब्लिक, जैसे अगर आप देखोगे IRCTC ईबे बैंकिंग साइट, तो सबसे पहली बैंकिंग साइट्स कौन सी हो जाएगी आपकी, ICICI बैंक, पहला हिंदी पोर्टल वेव दुनिया हो जाएगा। पहली पार्टी कौन सी हो जाएगी इंटरनेट पर, BJP हो जाएगी। तो विदेश संचार निगम लिमिटेड ने स्टार्ट किया था, किसने, VSNL, VSNL का मतलब है विदेश संचार निगम लिमिटेड ने स्टार्ट किया था आपका। तो यहाँ याद रखना, सबसे पहले डायल अप कनेक्शन था, स्पीड कितनी थी, 9.6 KBPS, उसके ये चार्ज थे 5,000, 15,000, 2,500 और ये सब, है ना। तो इक्विपमेंट्स क्या चाहिए आपको इंटरनेट के लिए, कंप्यूटर चाहिए, प्रोग्राम चाहिए, प्रोग्राम मतलब ब्राउजर चाहिए, मॉडेम चाहिए, और एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर चाहिए, तभी जाके आप क्या कर पाएंगे, इंटरनेट को एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है, फिर क्लास को मैं यहीं पर आज कंक्लूड कर रहा हूँ। ठीक है, अगला है वेब ब्राउजर, ये PPT मैं शेयर कर दूंगा, तो आप लोग पढ़ लेना, है ना। क्लास को मैं यहीं पर डिसकनेक्ट कर रहा हूँ, किसी के कोई डाउट्स हो तो वो पूछ सकता है, अदरवाइज फिर मैं क्लास को यहीं पर डिसकनेक्ट कर देता हूँ।
किसी को कुछ पूछना है क्या? ठीक है, ओके, थैंक यू।